रोहित शेट्टी। गोलमाल कैसे बनी गोलमाल बनी थी कि कॉमेडी है सर्वाइवल के, के एक पिक्चर तो चल जाएगी तो एक पिक्चर और मिल जाएगी किसको पता था कि वो ब्रांड बन जाएगा आपके और अजय देवगन के बीच मन मुटाव की कहानियाँ गोलमाल थ्री रिलीज हुई शाहरुख सर का फोन आया कि अरे पिक्चर देखिए अच्छी लगी फिल्म करते हैं साथ में बोला ठीक है तो बट हम लोग ऑन द रोल थे इनफैक्ट सेट पे भी आना जाना हुआ है दोनों का कई बार ओरिजिनल कॉप वाला था 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 वो सिंगम में आया या कोई दूसरा ये कि, कि हम सिंगम तो बना रहे बट लोग हमारी कॉमेडी पसंद करते हैं नहीं चली तो तो हमारे हमारा कि नहीं चलेगी तो पीछे बोल बच्चन आ रही है और चेन्नई एक्सप्रेस आ रही है तो हम बच जाएंगे और हुआ है कि डेढ़ महीने के बाद हम बोल बच्चन शूट करने राजस्थान गए और सामने के थिएटर में सिंगम तब भी लगी थी चेन्नई एक्सप्रेस ट्रैवल कर रहा है बंदा मुंबई से लेके कहा फंस जाता है एक फेसबुक पे किसी का लैपटॉप लेके पोस्ट नहीं किया उसने हमने बस कर दिया कि मोबाइल फेंक खेल कन्वेक्शन का आप अपने फादर के के साथ कभी गए थे फिल्म के सेट बहुत बार अमित जी मार रहे हैं और सारे गिर रहे हैं मुझे थोड़ा ऑर्ड लगे ऐसे कैसे पॉसिबल है मेरे को देखे बोले क्योंकि वो हीरो है और हीरो कुछ भी कर सकता है तो इसलिए आज मेरा हीरो भी कुछ भी करता है कभी कभी फिल्म का ये मतलब होता है कि ज्यादा दिमाग मत लगाओ देखो मजा आया मेरी फिल्मों की बात तो नहीं कर रहे हैं। <laughs> <laughs> एक अगर आप मुझे से सके कि पुलिस वाला आया उसने इन तीन लोगों को मारा ये एक सीन है पर जब आप उसको करते हो तो उसमें बहुत सारा वो चार दिन लग जाते हैं मेरे और मेरी यूनिट मेरा ही मजाक उड़ाती मेरे एडिस बोलते सर अभी याँ से है कल पहुंचेगा ना माना कल पहुंचेगा क्या रहती है रोहित की अपनी कोप मैकेनिज्म

एंड वी न्यू कि वो भाई इस पास था और बहुत हेल्पलेसनेस भी लगती हाँ। होगी या उस टाइम उतना हाँ तो बट ठीक लाइफ है क्या कर सकते है? ऐसे ही एक हादसा आपके सेट पे भी हुआ था चेन्नई एक्सप्रेस की बात है वो एक कोई चिंगारी उड़ के पीछे की तरफ गई और एकदम से उसने आग पकड़ ली इट वॉज अ शॉकिंग इंसिडेंट क्योंकि सेम चीज डैड के साथ हुई थी बहुत साल पहले इट्स इट ट्रिगर्ड दैट मेमोरी फॉर अ सेकंड आपकी माँ पर उन्नीस और जब आप आपकी बहन सब लोग काम करने लगे वो आठ बरस कैसे रहे होंगे फाइटर है कभी माहौल ऐसा नहीं हुआ दुख का स्ट्रगल का जरूर था बट ये नहीं था कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है फिर जब डैड की डेथ हुई तो फिर काम शुरू किया उन्होंने वापस से कभी वो दुखड़ा रोया नहीं हमने पर गाली तो आपकी किसी भी फिल्म में हमें वेब सीरीज में छूट मिल जाती है ना सब और यही चक्कर में आप देखना मार्क माई वर्ड सेंसर आ जाएगा बारह सौ पंद्रह सौ का रेट होता है कि अब ये एक्टर क्या आ रहे हैं तो उसकी बुराई मैं साइबर सेल को जानता हूँ हाँ। आग की शर्मगे ऐसी चुप हो जाता हूँ कई बार की अच्छा ये ये एक्टर करवा रहे आपने कभी किसी को फोन करके घरिया आपने काफी रिसर्च किया Brought to you by Perfume. यह भूख की कहानी है भूख है जो एक लड़के को उडुपी से मुंबई ले आती है और उसे ग्रीन कॉटन रेस्टोरेंट में वेटर का काम करना पड़ता है भूख से कहानी आगे बढ़ती है मेहनत के रास्ते पर चलती है वो शरीर बनाता है नए सिरे से काम खोजता है और फिर तरक्की ऐसी आती है कि दरवाजे के बाहर चार गाड़ियाँ खड़ी हों तरक्की ऐसी कि बेटा जिसके पाँव ठीक से पहुँच भी नहीं रहे हैं एक्सलेटर और ब्रेक तक वो एक रोज़ चुपके से कार की चाबी निकाले कार को ठोक दे तो ज़्यादा नाराजगी उसके हिस्से ना आए बस थोड़ी ही आए मोहल्ले में जरूर हल्ला मत जाए कि फलाने के लड़के ने गाड़ी ठोक दी है टीचर जब डांटे तो हंसते हंसते डांटे और फेल होने की बारी तो ऐसी है जो कि जिंदगी में आगे कई दफ़ा एक जरूरी सबक की तरह होना था कि छठवीं कक्षा में फेल हो गए और उसके पहले की ही क्लास में टीचर ने कह दिया बेटा तुमसे ना हो पाएगा पर अब तक कहानी में आपको बड़ी हंसी लग रही होगी एक रोज यह सब बदल जाता है एक फिल्म है जिसका शूट चल रहा है एक एक्शन डायरेक्टर है जिन्होंने शत्रुघ्न सिन्हा के बॉडी डबल के तौर पर मंसूर को खड़ा किया है एक हादसा होता है मंसूर गुजर जाते हैं और उसके साथ जाने कितने मंसूबे गुजर जाते हैं वो एक्शन डायरेक्टर खुद को मंसूर की मौत का जिम्मेदार मानने लगते हैं और अपने गम को गलत करने के फेर में घंटों की रोज़ की बरसों की मेहनत के साथ जिस देह को फौलाद किया था उसे गलाने में लग जाते हैं और देह बीत जाती है परिवार जिसे लगा था कि विपत्ति अब उनके बचपन की यादों का एक फुटनोट भर है नए सिरे से जूझता है रत्ना को नए सिरे से काम खोजना पड़ता है क्योंकि बेटे बेटी बहुत छोटे हैं और बेटा उस समय सिर्फ आठ साल का था कहीं बॉडी डबल बनना कहीं असिस्टेंट बनना कहीं कोई छोटा सा रोल मिल जाए ये बेटा कुछ बड़ा होता है उम्र चौदह पंद्रह साल और काम के चक्कर लगाने शुरू हो जाते हैं कुकू कोहली नाम के एक प्रोड्यूसर डायरेक्टर बार बार लगातार उनके घर के चक्कर एक डेढ़ बरस की कश्मकश कश्म के बाद वो उस लड़के को दूसरा तीसरा चौथा असिस्टेंट डायरेक्टर बनाने के लिए राज़ी हो जाते हैं ये ठीक ठीक चौंतीस बरस पहले की बात है जब ठीक ठीक पैंतीस रुपये रोज़ाना की दिहाड़ी से एक लड़के ने अपना सफ़र शुरू किया था अभी इसमें कई पड़ाव आने हैं मैं चाहूं तो आपको उसकी उदारता की कहानियां सुना सकता हूं मैं आपको बता सकता हूं कि कैसे उन्हें जब पता चला कि अमुक एक्टर एक खास डाइट फॉलो कर रहे हैं पर आज घर से भोजन नहीं आया तो उन्होंने अपना टिफ़िन पकड़ा दिया मैं आपको बता सकता हूँ कि कोई जख्मी हुआ तो उनका काम नहीं था फिर भी पूरे दिन पूरे शूट के उनको पैसे दिए गए मैं आपको बता सकता हूँ कि उनके यहाँ वनवे वाली सड़क है एक बार कोई एक्टर उनके यूनिवर्स में दाखिल हो जाए तो फिर एग्जिट नहीं होता पर उदारता की कहानियों के लिए अभी इंतजार कर लेते हैं क्योंकि ये तो संघर्ष की कहानियां हैं पहली फिल्म चली लेकिन ठीक से नहीं चली अफसोस और आया लगा कि सही रास्ते में आए हैं क्या डायरेक्टर बन पाएंगे दूसरी फिल्म एक गुजराती नाटक अफलातून पर आधारित लगा मन भर बनी है लेकिन रिलीज के पहले मुंबई में सीरियल ब्लास्ट हुए और लगा कि जैसे ये सपना भी परखच्चों में उड़ गया है फिर एक रोज दोपहर में फोन आता है मैटनी शो के दर्शकों को दिखाने के लिए उस डायरेक्टर को और तब उसे लगता है कि मुझे अपना दर्शक वर्ग मिल गया है और उसके बाद एक लंबा सिलसिला है जिसमें देशभक्ति है जिसमें बहुत सारे स्टंट हैं बहुत सारा एक्शन है बहुत सारा, सारा मेलोड्रामा है बहुत सारे डायलॉग्स हैं बहुत सारा यादगार सिनेमा है गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज के हमारे मेहमान वो हैं जिन्हें वक्त ने खूब तपाया और उसके बाद जब उन्होंने अपने तई कहानियां गढ़ना शुरू किया तब हमें रोमांच शब्द के खूब सारे पर्याय दिए गेस्ट इन द न्यूज़ रूम में आज हमारे मेहमान हैं हिंदुस्तान के कमाल के डायरेक्टर कमाल के एक्शन डायरेक्टर ऐसे डायरेक्टर जिनके इंट्रोडक्शन के लिए मेरी पत्नी ने मुझे आदेश दिया वो आ रहे हैं खूब सारी कारें उड़ाना संदीप और <laughs> कुलदीप को ग्राफिक्स से लड़वा देना बहुत बहुत स्वागत है रोहित शेट्टी का थैंक यू थैंक यू फॉर कमिंग टू अवर न्यूज रूम आपने काफी रिसर्च किया हुआ बिफोर वी स्टार्ट टॉकिंग अबाउट योर बॉडी ऑफ वर्क आ, मुझे आ, हम लोग सिर्फ कल्पना कर सकते हैं कि आपकी माँ पर उन्नीस से लेके और जब आप आपकी बहन सब लोग काम करने लगी वो आठ बरस कैसे रहे होंगे रत्ना जी के बारे में बताइए एक्चुअली फाइटर है कभी माहौल ऐसा नहीं हुआ दुख का स्ट्रगल का जरूर था बट ये नहीं था कि हमारे साथ ये क्यों हो रहा है कभी उन्होंने ये महसूस होने नहीं दिया इस चीज़ को और मेहनत की बहुत बहुत काम किया उन्होंने और की रहने वाली थी मुंबई से ही थी जी मुंबई से है मतलब वो पहले भी काम करते थे वो एक्शन में ही थे डुप्लीकेट अच्छा। वगैरह कर देते हैं हेमा जी का सीता और गीता वो सारी फिल्म अच्छा और वैसे ही उनकी डाइट से मुलाकात हुई थी एक्चुअली किस फिल्म के सेट पे मिले थे दोनों ये एग्जैक्टली exactly तो नहीं बताया उन्होंने कभी मुझे बैठी अच्छा, <laughs> हुई बता नहीं 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 है डैड एक्शन डायरेक्टर थे उस फिल्म तो सीता और गीता में जो फैन पे लटके हुए जो वैजंती माला जी कई फिल्मों में जो सीढ़ियों से हीरोइन गिर रही है वो सब मेरी मॉम है तो हमारा ये खानदानी पेशा है So, तब वो काम किया करती थी फिर ऑब्वियसली बाद में शी गॉट मैरिड डैड को उसके बाद फिर जब डैड की डेथ हुई तो फिर काम शुरू किया उन्होंने वापस से और वो फिर सिलसिला चलता रहा कई करीबन आठ नौ साल तक जब तक मैंने काम करना शुरू नहीं किया बट कभी भी माहौल वो नहीं था कि हमें ऐसा जताया गया कि हमारे साथ गलत हुआ है या हमारे साथ क्यों हो रहा है किस्मत हमारे साथ ऐसा क्यों करी हम सिर्फ पूरी फैमिली में ऐसा था कि काम करते गए कभी वो दुखड़ा रोया नहीं हमने और आई थिंक वही एटीट्यूड वही चीज मेरे अंदर भी आ गई कि काम करना है काम है तो सब कुछ है और फिर वहां से शुरुआत हुई करीबन आठ नौ साल की स्ट्रगल रही दस साल की स्ट्रगल रही और दस साल से भी हाँ करीब करीब दस ग्यारह साल की स्ट्रगल रही आप लोग हम पहले रहते थे सेंटा क्रूज में जब डाट थे और सेंट मेरीज हाई स्कूल थी मेरी स्कूल Uh, कभी कभी आ, आज भी मैं जाता हूँ वहाँ पर uh, फिर वहाँ से जब डैड की डेथ हुई तो हम दईसर शिफ्ट हो गए मेरी नानी वहाँ रहा करती थी अच्छा uh, पैसे नहीं थे तो फिर वहाँ से हम लोग मैं ट्रैवल करता था दईसर से uh, स्कूल डेली जो कि बहुत दूर है uh, फिर वहाँ कई साल वहीं रहे हम फिर जब मैंने काम करना शुरू किया तब हम फिर दूसरी जगह शिफ्ट हो गए तो एक दस ग्यारह साल का एक वो पीरियड था जो उनका स्ट्रगल रहा फिर तो उसके बाद मैंने टेक ओवर कर लिया उस स्ट्रगल को क्या पहला काम क्या किया था आपने नौकरी पहली पहला काम जिसमें पेमेंट हुआ हो कुछ ये कुकू कोहली जी के साथ ही मैंने शुरू किया वहाँ फिर उस फिल्म में वीरू जी भी थे वीरू देव, 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 देव जी, जो मेरे डैड के दोस्त हैं एंड अजय सर भी पहली फिल्म अजय सर की थी वो यू कॉल हिम अजय सर मैं उनको बॉस बुलाता हूँ सो वहाँ से शुरुआत हुई फिर काम करते चले गए चलते करते चले गए कभी ये नहीं सोचा कि क्या होगा आ, ये था कि मेहनत करनी है पैसे के बारे में नहीं सोचा खाने के बारे में नहीं सोचा और फिर हो, होता ना कि काम से काम मिलते चला गया सीखते चले गए और फिर एज एन असिस्टेंट कई फिल्मों में काम किया वीरू जी के साथ काम किया एक्शन में फिर अजय ने अपनी खुद की कंपनी खोली जिसमें हमने प्यार तो बना था बनाई थी जी 96 की बात है

फिर अच्छा। राजू चाचा के बाद ये हुआ कि टर्न आ गया था क्योंकि अनिल उनके वो गुजर गए अब अनिल उनके कजन ब्रदर थे जिन्होंने राजू चाचा डायरेक्ट की थी तो मैं और अनिल बहुत क्लोज थे मतलब अनिल मेरे सीनियर थे ओके। और हम दोनों पूरा सेट संभालते थे सब कुछ हम ही लोग करते थे तो राजू चाचा में अनिल डायरेक्टर थे मैं उनका एसोसिएट डायरेक्टर था तो फिर ये था कि उसके बाद मेरा ही टर्न आएगा हम खुद डायरेक्ट करेंगे और फिर आई बारी जमीन की और ये हुआ कि राजू चाचा में लॉस बहुत हो गया तो उस जमाने में बहुत ही महंगी फिल्म थी वो और वो उतनी चली नहीं थी, थी। किस वजह से महंगी थी आ, वो एक अजय सर का ड्रीम प्रोजेक्ट था वो तो मतलब वो प्रोड्यूसर भी तो सुन के और ही जैसे कि होते हैं मतलब ज्यादातर जो एक्टर प्रोड्यूसर होते हैं वो ज्यादा बिजनेस माइंडेड नहीं होते वो पैशनेट होते हैं तभी वो प्रोड्यूसर बनते हैं चाहे आप अजय सर की बात करें या आप शाहरुख सर की भी बात करें अगर तो तो वो पैशनेटली काम करते फिर वो पैसे के बारे में नहीं सोचते हैं और उनका एक विजन था उस जमाने में अगर आप आज राजू चाचा देखें तो तब ग्राफिक्स इतने नहीं हुआ करते yes. थे बड़े सेट लगे थे और रियल सेट लगाने पड़े थे हम ऊटी में हमने शूटिंग की ऑस्ट्रिया mm. गए हम वहाँ पे शूटिंग की वहां से शॉपिंग करके लाए थे ख, ख, बहुत सारा उनको एक वो फेरी टेलिश वर्ल्ड क्रिएट करना था mm. और वो फिल्म नहीं चली तो काफी लॉस भी हुआ था कंपनी में एंड तो फिर ये हुआ कि जमीन मैंने बनाई उसके बाद

आप अपने फादर के साथ कभी गए थे फिल्म के सेट बहुत पे? बार बहुत बार मतलब फर्स्ट मेमोरी क्या है कि कुछ ये जादू सा हो रहा है कैमरे के आगे आई आई थिंक थिंक काला पत्थर या त्रिशूल इनमें से कोई एक फिल्म में मैं गया था सेट पे जब मैंने अमित जी को एक्शन करते हुए देखा था एंड uh, तो अमित जी स्लिम ट्रिम लंबे चौड़े और हमारे जितने तब उस जमाने के फाइटर होते थे सब छह फुट दो इंच हट्टे कट्टे एंड अमित जी मार रहे हैं और सारे गिर रहे हैं मुझे थोड़ा ऑर्ड लगे कि ऐसे कैसे पॉसिबल है लॉजिक नहीं समझ आ रहा तो रात को हम घर आ रहे थे तो हमारे पास जीप थी तो छोटा था मैं बहुत छोटा डैड जीप चला रहे तो मैं बैठा था तो मैंने डर डर के पूछ लिया है अमित अंकल को अमित अंकल कैसे मार सकते हैं इन सब लोगों को इतना मतलब क्योंकि वो तो सारे इतने फिजिकली स्ट्रॉन्ग है तो गाड़ी चलाते हुए मेरे को देखे बोले क्योंकि वो हीरो है और हीरो कुछ भी कर सकता है तो इसलिए आज मेरा हीरो भी कुछ भी करता है

हाँ। कि कैसे हैं कि ने तो इंस्टाग्राम पे आ जाता था, था कि आज मैं खाना बना रहा हूँ <laughs> तो इसलिए आज स्टार नहीं बन पा रहे लोग हां क्योंकि इमेज नहीं है सीक्रेसी नहीं है और सीक्रेसी नहीं है आ... स्टार का मतलब ही यह था ना कि आप पहुंच नहीं सकते वहां तक यस आपको लगता है कि ये थोड़ा सा व्हेन यू सेड दिस इंडियन सिनेमा की एक थोड़ी सी लिमिटेशन भी रही कि व्हाई कांट वी इमेजिन शेट्टी इन अ इन अ सॉफ्ट रोल कि

उस जमाने में आई थिंक इमेज बहुत वर्क करता था hmm. वो टूटना फिर बहुत लेट शुरू हुआ जैसे अमरीश जी ने फिर फादर का रोल भी प्ले करना शुरू कर दिया hmm. दिल वाले दुल्हनी अगर yes. आप देखें बट पहले ऐसा नहीं होता था <coughs> एक बार जो सेट हो गई इमेज सेट हो गई हम मुझे बड़ी खुशी होती थी एक फिल्म थी बुढा मिल गया तो हर फिल्म के एंड में जब पिक्चर रिलीज होती तो दोस्त आते थे डिस्कस कर रहे तेरे ते डैड को धर्म जी मार रहे हैं अमित जी मार रहे हैं ऐसे कैसे होता है यार इतने लंबे छोड़े एक फिल्म थी बहुत ही मतलब छोटे लेवल की फिल्म थी बुढ़ा मिल गया उसमें वो पुलिस ऑफिसर थे सीआईडी आई बने थे तो मुझे बड़ी खुशी हुई कि एक फिल्म तो जिसमें सही काम कर रहे हैं <laughs> 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 पर ये ये पता पता था मतलब कब चला कि यार ये रियल नहीं है जैसे कई बार होता है ना हम फिल्म में देखते हैं कि तो बहुत छोटे थे कि फलाना मर गया तो हम एक दो दिन तक दुखी रहते थे <laughs> तो मर गया क्या वो तो हो मर हो गया? गया ये बचपन में एक्चुअली माहौल ऐसा था तो कभी ये समझ में नहीं आया कि ये रियलिटी नहीं है या ये रियल है नहीं है या ऐसा कुछ क्योंकि माहौल वैसा रहा घर पर फिल्म रिलेटेड तो ये तो पता ही था कि मतलब जो हो रहा है वो सब नकली ही है बट जब डैड की बात की जाए तो उनके लिए फिजिकली बहुत सब असली होता था क्योंकि कई बार घर लौटे तो हाथ में स्टिचेज है टहले पे स्टिचेज है तो सर पे लगा हुआ है मार खून पे ब्लड है कुर्ते पे या शर्ट पे तो वो बहुत ऐसा हमने देखा है माहौल घर पे एंड फिर वही सिलसिला चलता रहा तो फिर लगा कि यही हमारा काम है यही करना है हमें

बस एक गियर डालो चल पड़ती है मैंने देखा उनको दो तीन बार ड्राइवर को देखा जब स्कूल छोड़ने आता था मैंने चुपचाप वो सो रहे थे दोपहर का वक्त मैंने ले ली चाबी स्टार्ट कर ली और ब्रेक तक किसी तरह से पैर पहुँचा गेयर डाल दिया अब ऑटोमेटिक गाड़ी निकल गई कंट्रोल के बाहर चली गई गे। गेट टूटा बाहर गई आगे नाले में गिर गई ऐसे सीधी हो गया सब चिल्लम छिले शेट्टी की गाड़ी है शेट्टी के मोहल्ले में सब जानते थे

एंड गाड़ी खुद ही निकाल के वापस लगा दी उन्होंने खुद ही निकाल मतलब ऐसे के? मतलब दो तीन लोगों ने धक्का मारा फुट तीन इंच थे <laughs> <laughs> तो दो तीन लोगों ने ऐसा पुश किया उठाई थोड़ी जो भी उन्होंने जद्दोजहद की होगी hmm. और लाके वापस मम्मी, ने ने नहीं मम्मी ने थोड़ा सा डाटा बैड बैटकॉप कौन था मतलब कि एक दोनों नहीं ऐसा नहीं था दोनों ही गुटकॉप ही थे ऐसा बैड कॉप वाला सिस्टम था ही नहीं तो कभी इतनी डांट नहीं पड़ी Life में और कौन कौन था आपके घर में सिस्टर्स थी और नाम बताइए चंदा सुषमा पूनम और महक जो सबसे छोटी है अभी अच्छा और उनमें से कोई आया फिल्म इंडस्ट्री में महक डिजाइनर है और जो, जो बड़ी सिस्टर है वो अपने जमाने में मायापुरी में लिख, लिखा करती थी चंदा शिव जर्नलिस्ट हाँ मतलब आप सबकी सीनियर रही होंगी आप सब स्कूल में होंगे तब यहीं दिल्ली में मायापुरी का ऑफिस हुआ करता था उनका आना जाना लगा रहता था अच्छा और कुछ सालों तक काम किया देन शी गॉट मैरिड अब सारो मतलब ऑलमोस्ट तीन दो सिस्टर्स के बच्चे मेरे साथ काम करते हैं अरे वाह असिस्टेंट है मेरे वेरी इंटरेस्टिंग <laughs> पहली फिल्म अब आप काम करने पहुंचे हैं तो कुकू कोहली को कैसे मनाया गया बड़ी कहानियां सुनी हमने इसकी एक डेढ़ साल का स्ट्रगल रहा इसमें एक दो बार आई थिंक मेरी सिस्टर ने उनका इंटरव्यू किया था और तो उस, चंदा ने हाँ तो उस हाँ। चक्कर में ये था कि एक रेफरेंस मिल गया और फिर वीरू जी भी थे क्योंकि तो डैड के साथ उन्होंने काम किया था बट वो फिल्म शुरू होने में बहुत वक्त लग गया पहले उसमें जब स्क्रीन टेस्ट लिया गया था तो अक्षय कुमार थे फूल और कांटे में हाँ अभी भी हम सूर्यवंशी ये सब फिल्में करते हैं अभी भी सिंगम अगेन की जब शूटिंग कर रहे थे बात वही होती है कि अरे पहले मेरा ब्रेक था ये फिर वो कुछ डेटो का इशू हुआ क्योंकि अक्षय और भी कोई उनको फिल्म मिली थी कुछ इशू हो गया था एंड जिसके वजह से फिर वो फिल्म नहीं हो पाई तब तो स्ट्रगल चलता रहा एक डेढ़ साल का फिर अजय आए उस फिल्म में एक डेढ़ साल का स्ट्रगल था फिर जब शूट शुरू हुआ तो उन्होंने बोला अच्छा ये शुरू हो रही है तुम आ जाओ तो बट उसमें ऐसा था कि उसमें अप्रिंटिस लेवल पर होते हैं मतलब मेन नहीं होते पीछे रहने वाले लोग होते हैं कि कभी बुलाया कभी नहीं बुलाया स्ट्रगल चलती रही फिर एक और फिल्म शुरू हुई थी फूल और गाटो जब हिट हुए एक और कोहिनूर बहुत कम लोगों को पता है उस जमाने में ऑब्वियसली इतना आ, मीडिया नहीं था तो लोगों को पता नहीं है जिसमें जो अब डायरेक्टर बन गए जिन्होंने रॉक रॉकॉन बनाया उनको लॉन्च किया था तो वो फिल्म कुछ आठ रील बन के आए थे वो हीरो थे भी उन्होंने दो तीन फिल्म बाद में की भी है सो गट्टू के साथ हमने वो फिल्म की थी अभी भी जब हम मिलते थे हम उसकी बात करते कि देखो याद है तू असिस्टेंट था मेरी पहली फिल्म थी मैं बात कर रहा हूँ 92 की

हाँ तो दो बजे की शिफ्ट होती थी शुरू और वो दस बजे खत्म होती है एक होती है शाम को सात अगर आपकी नाइट की शिफ्ट है तो okay. सात से दो और एक होती है कि अगर लेट शुरू करना है कि कहीं परमिशन नहीं मिल रही है रोड पे कि hmm. वो नौ बजे के बाद आते होती है नाइन टू फाइव तो बट अब, अब अब ऐसा हो गया कि अगर आपने सेवन ओ शुरू किया तो आप शाम तक तो करते हैं क्योंकि तो दो शिफ्ट हो जाती है hmm. सुबह सात बजे शुरू किया शाम के छह बजे तक एक शिफ्ट हो गई रात को सात बजे शुरू किया और सुबह के पांच बजे तक दूसरी शिफ्ट हो गई ज़्यादातर ऐसा भी होता है काम तो आपने भी शुरू में दो दो तीन तीन शिफ्ट ज्यादा तीन तीन शिफ्ट हमने काम किया फिर सोते कब ते हम दो घंटा ढाई घंटा तब अभी तब वो उसे हम मेहनत मानते थे आज उसे लोग स्ट्रेस मानते हैं ये भाई साहब एक बार फिर से कह दीजिए आप थोड़ी सी सख्ती करो नहीं सबको लगता है कि नहीं नहीं मेहनत तो स्ट्रेस दो अलग चीज है स्ट्रेस तो आपको एसी में आप बैठे हो आपके बहुत पैसा है करोड़ों रुपए तो भी आ जाएगा बिल्कुल मेहनत का वही आज जो न्यू जनरेशन में जो एक प्रॉब्लम आ रही है क्योंकि वो भी उनकी वजह से नहीं आ रही वो सेल किया जा रहा है स्ट्रेस को हमने, हमने, मैं, बाकी तो छोड़िए तीन दिन पहले की बात है हम कब आए परसों आए शायद डे बिफोर उसके पहले मैं सिंगम अगेन के हैदराबाद मैंने इंस्टा पे भी पोस्ट भी डाला है एक्शन का तो हमने सुबह शूटिंग शुरू की है बारह बजे और फिर उसी दिन नाइट खत्म करनी थी क्योंकि मुझे यहाँ आना था तो दोपहर के बारह बजे शूटिंग शुरू की अगले दिन सुबह सात बजे तक शूटिंग की तो बजे से सुबह सात बजे सात बजे डे का काम खत्म किया एक घंटे का यूनिट को ब्रेक दिया वहाँ भी ठंडे जैकेट वैकेट पहन के सब आ गए उन्नीस घंटे सात बजे शाम को शुरू किया सुबह सात बजे पैकअप किया साढ़े नौ की मेरी फ्लाइट थी मैंने साढ़े नौ की फ्लाइट पकड़ी बॉम्बे आया पैकिंग की दिल्ली आया दिल्ली आके कुछ ढाई या तीन घंटे सोया मैं और कल कल पूरा दिन प्रमोशन किया, जाके घंटे की नींद मिली <laughs> आप प्रमोट कर रहे हैं इंडियन पुलिस फोर्स इंडियन पुलिस फोर्स बताइए क्या है ये वेब सीरीज है पहली बार कर रहा हूँ और जॉनर वही है पुलिस और टेररिस्ट वाला और इसलिए मैं रिलैक्स बैठा मुझे पता है कि जो सेट फॉर्मेट है वही आ रहा है <laughs> ज्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं किया है मैंने हाँ। बट मजेदार है बिग स्केल है है और एक एक्शन बहुत है पहली बार वेब सीरीज में मतलब जो एक्शन लवर है मतलब जब रोहित शेट्टी कहते हैं एक्शन बहुत है आ, क्योंकि सात एपिसोड ना? मिल गए ना तीन फिल्मों का मसाला मिल गया <laughs> तो पूरी भड़ास निकाली हुई है और एक अच्छी डिसेंट सीरीज है

वो सब नहीं चल रहा है आई डोंट अग्री उसकी जरूरत नहीं है मुझे लगता है वो स्केपिज्म है कि जहां आपको लग रहा है कि आप डायलॉग के थ्रू नहीं जा सकते वहां या एक एक शॉक वैल्यू क्रिएट करने के लिए कई बार जहां जरूरत है लगता है कि हाँ ये फिल्म में या ये सीरीज में रिक्वायर्ड है तो ये सही कह रहा है कहीं कहीं आजकल लग रहा है कि छूट दिए और यही चक्कर में आप देखना मार्क माई वर्ड सेंसर आ जाएगा कुछ कोई ऐसी बड़ी गलती कर देगा जिसके वजह से एक बड़ा इशू खड़ा होगा फिर सेंसर आ जाएगा क्योंकि छूट दी हुई है तो ओवरबोर्ड जा रहे हैं कुछ लोग मेरा ऐसा मानना है मैं गलत भी हो सकता हूँ बट कुछ सीरीज देखो तो आपको ऐसा लगता है शेट्टी कोई फिल्म बनाते हैं या वेब सीरीज बना रहे हैं जैसे तो राइटर्स रूम के साथ इंटरेक्शन कैसे होता है मतलब हाउ डज इट वर्क

उन्होंने फर्स्ट एपिसोड लिख के मेरे पास लाए थे तो मुझे बहुत इंटरेस्टिंग लगा फिर आ... दिल्ली पुलिस का स्पेशल सेल है ये स्पेशल सेल पर है आ, फिर मैं दिल्ली आया भी था रिसर्च के लिए दिल्ली स्पेशल सेल के साथ बैठा उनके साथ ही आप लोग का यूनिफॉर्म नहीं होता है जब वो फील्ड पर होते हैं देन फिर एक पॉइंट के बाद मैं यूनिफॉर्म नहीं था देन वो एक जैकेट बनाना शुरू किया उन्होंने फिर वो ओरिजिनल जैकेट हमें उन्होंने दी फिर हमने एग्जैक्टली वो जैकेट ग्रीन कलर की जो आप ट्रेलर वगैरह में देखेंगे सिद्ध ने सबने पहनी है जी जी वो स्पेशल सेल की जैकेट है फिर जैसे बॉम्बे में ए टी एस है यहाँ पे स्पेशल सेल है हाँ जी हाँ जी बॉम्बे में क्यू आर टी है पुलिस की इतनी फिल्में तो की है।, है तो सारे डिपार्टमेंट पता है कोई क्रिएक्शन टीम वहां पर है यहाँ पर स्वाट है तो स्वाट की ट्रक कैसी होती है सारे यूनिफॉर्म हम यहाँ से ले गए उन्होंने हमको स्वाट का ट्रक भी दिया था फिर हमने एग्जैक्टली वो रेप्ली डिजाइन किया स्वाट के ट्रक

तो ऐसा होता है कि पुलिस वाले कहेंगे यार मेरे पास एक ऐसा बहुत इंटरेस्टिंग केस आया है खूब सारी आपको स्टोरीज पिच करते हैं बहुत, बहुत जैसे सूर्यवंशी में दो तीन सीक्वेंस है वो रियल है क्योंकि हम फिल्म में दिखा देते हैं और इसको इतना एलॉबरेट करते हैं तो फिल्मी लगता है बट वो लाइफ ज्यादा फिल्मी है सूर्यवंशी में हमने यूज़ किया है रियल सीक्वेंसेस इंडियन पुलिस फोर्स में हमने यूज़ किया है रियल सीक्वेंसेस अभी मैंने इसके बाद सिंगम अगेन मैं बना रहा हूँ सिंगम अगेन के बाद मैं एक बायोपिक बना रहा हूँ राकेश मारिया सर पे जो मुंबई के कमिश्नर भी रहे जी जी उनकी ऑटोबायोग्राफी तो भी आई भी हाँ, वो वो ही किताब पर अभी हम काम कर रहे हैं सो so, बहुत ही इंटरेस्टिंग लाइफ रहती है इनकी और कास्टिंग लॉक कर ली अभी तक नहीं की करनी है <laughs> क्योंकि वो कहानी उनकी नाइनटीन से ताज अटैक तक है तो मतलब एक यंग बॉय से लेके फिफ्टी ईयर्स का आदमी वहाँ तक की लाइफ की कहानी तो उसके लिए कास्टिंग में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही ये सुनते ही ना इसकी क्लिप घूमेगी अब रोहित शेट्टी गासिम रॉय कौन है इंटरेस्टिंग <laughs> अभी हम लोग एक्शन की बात कर रहे हैं जो आप एज अ किड आई रिमेंबर हमने जब वीडियो कैसेट पे फूल और कांटे पहली बार देखी थी जीजी टीवी जीजी। पे हमें वो इतनी असंभव सी चीज लगती थी कि बाइक पे ऐसे पांव खोल के एक वो वाली स्ट्रेचिंग और एक खिलाड़ी सीरीज की फिल्म थी जिसमें अंडरटेकर होता है और उसमें अक्षय कुमार ऐसे स्प्लिट करके एक फाइट करता है हाँ। मैडम माया के गुंडे से हाँ। वो कुछ मंगोलियन फीचर्स वाला एक गुंडे तो, तो यार ये तो बड़ी <laughs> क्योंकि हम तो दिशुं, दिशुं वो डिशम डिशम की बस वो आवाजों और उसके exactly. ज्यादा आदि थे उसमें जो बाथरूम वाले हाँ झगड़ा होता है फूल और काटे से इनफैक्ट एक्शन को अवार्ड भी नहीं दिया जाता था तब तक अच्छा फूल और काटे से शुरू हुई वो कैटेगरी एक्शन की फिल्म फेयर में फिल्म फेयर में उसके पहले अवार्ड को माया इतनी मान्यता नहीं दी जाती थी कि हाँ ठीक है ऐसा जबकि सबसे ज्यादा मेहनत वहाँ होती थी एक्शन में तो थोड़ा सा उस फिल्म के बारे में बताइए सेट पे क्या होता था लग रहा था आप लोगों को ये हम कुछ नया कर रहे हैं विलेट उस फिल्म का ये था कि एक्शन बहुत अच्छा था रिलीज के वक्त तो उसमें ये था कि अजय सर भी कहते हैं बात कपूर सर खुद थे उनके पास रिलीज हुई थी तब क्योंकि इतना वो, को इतने वो नहीं दी जाती थी क्लैश हो गया क्लैश हो गया आजकल बहुत ज्यादा हो जाता है तब था कि आती थी दो फिल्में तो इनफैक्ट और क्योंकि अनिल कपूर सर ने बहुत ज्यादा वीरू जी के साथ काम किया था पहले ओके तो उनका ये था कि डोंट कम ऑन द सेम डे इतनी बड़ी फिल्म आ रही है अजय मेरा छोटे भाई की तरह है आप लोग बाद में आ जाओ बट फिर वो कुछ ही कि नहीं आ जाते हैं देखेंगे लम्बे भी चल जाएगी हमारी भी चल जाएगी और फिर फूल और काटे प्लेटनियम जुबली हो गई थी उस जमाने में वैसा होता था पच्चीस हफ्ते पचास हफ्ते सौ हफ्ते आ, सिनेमा हॉल में बाहर वो प्लेट सौ तो, हफ्ते तक वो फिल्म चली थी फूल और काटे और वहां से फिर एक्शन पूरा चेंज हुआ उसी वक्त फिर अक्षय कुमार भी आ गए थे उसी वक्त सुनील शेट्टी शेट्टी भी आ गए तो पूरा एक एक्शन का जो खिलाड़ी बलवान फूल और कांटे एकदम और सब सबने देखना था, तब उसके पहले अमित जी थे जो रियल एक्शन करते थे अमित जी रियल एक्शन करते थे उसी चक्कर में मतलब तो छोड़ भी लगी उनको मैंने खुद देखा काला पत्थर वगैरह अगर आप देखेंगे तो ऐसा चलते हुए आ रहे और हम उसे ड्रॉप किक बोलते थे कि उड़ते हैं और शत्रुघ्न सिन्हा जी को मारते हैं फिर जमीन पे गिरते हैं क्या फिल्म देखेंगे, जो है, वो खुद करते थे। तब इमेज का भी बहुत होता था कि अगर पब्लिक में शूटिंग कर रहे हैं तो ज्यादातर वो खुद ही करते थे सब लोग कि ये जो हमारे फैंस देख रहे हैं उनको ये नहीं लगे कि हम नहीं कर सकते अमित जी ने तो बार एक फिल्म है मैं सेट पे नहीं था मेरे को वीरू जी ने बताया था कि ब्रिज पे खड़े थे और वहाँ से बॉक्सेस पे जंप करना था तो पब्लिक खड़ी थी तो उन्होंने बोला ये मैं ही करूँगा खुद और एक ब्रिज के ऊपर से नीचे बॉक्स पर उन्होंने खुद जंप मारा कि ऑडियंस को मेरी इमेज अमिताभ बच्चन हूँ मैं या मैं हीरो हूँ मेरे फैंस हैं उनको ये नहीं लगना चाहिए निराशा नहीं, नहीं होनी चाहिए कि मैं नहीं, नहीं करता हूँ जबकि बहुत रिस्क इन्वॉल्व है रिस्क पहले बहुत था अब थोड़ा सा ईजी हो गया पहले बहुत रिस्क हुआ करता था बहुत ज़्यादा अब इजी क्या कैमरे अब स्पेशल इफेक्ट्स के वजह से स्पेशल इफेक्ट्स आ गए हैं अब जब जम करते हैं ऊपर से हीरो या फाइटर भी हमारा तो हम केबल से उसको लॉक कर देते हैं ताकि वो लैंडिंग करेक्ट हो बट अगर हादसा होना है तो वो तो हो ही जाता है मतलब उस पर रोक नहीं सकता बट सेफ्टी बहुत है अब क्या हादसा हुआ था मंसूर के साथ मेरे डैडी के साथ एक बड़ी अजीब सी फिल्म थी बॉम्बे फोर माइल्स हाँ, मतलब तो हाँ, गोडाउन में, में तो तो के ऊपर uh, से शत्रु जी के ड्यूब को जंप करना था और जैसे वो जंप कर रहा है तो पेट्रोल ब्लास्ट होता है पेट्रोल ब्लास्ट मतलब ब्लास्ट होता है पूरा हम पेट्रोल डालते हैं उसमें अच्छा हमेशा तो गर्दी बहुत थी जहां वो शूट कर रहे थे क्या गर्मी बहुत थी गर्दी गर्दी पब्लिक ग... बहुत थी बहुत ज्यादा गर्दी मतलब पब्लिक 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 अच्छा। लोग बहुत थे मराठी वर्ड हाँ बंबईया वर्ड ओके सो ये था कि कैमरा बोलेंगे एंड वो बंदा भागेगा एंड फिर ब्लास्ट वाले को टैप करेंगे सो so, लोग इतने थे तो कैमरा डिपार्टमेंट का जो बंदा जिसको कैमरा टैप करने वाला था वो खड़ा था और ब्लास्टिंग वाला यहाँ खड़ा था और वो कब इंटरचेंज हुए है पता नहीं किया उसमें तो मंसूर को भागने के लिए कहा और डैड के हिसाब से वो कैमरा टैप करने वाले को बोल रहे हैं और ब्लास्टिंग वाला उधर आ गया उन्होंने खुद कब इंटरचेंज किया अपने आप को डैड को नहीं पता स्विच तो डैड तो कैमरा ही ऑन करने बोले थे लेकिन वो ब्लास्ट दब गया वो तो भागते भागते पूरा गोडाउन उड़ा मंसूर को आग लग गई पूरी सेट पे अफरा तफरी हुई बहुत ज़्यादा हम लोग तो बहुत छोटे थे खबर फैलना शुरू हुई शाम तक मोम को खबर है कि ऐसा हुआ था कि एंड देन ही पास वो मंसूर एंड uh, फिर उसके एक साल में डैड ऑल्सो अवे उन्होंने वो अपने ऊपर ले लिया था और डैड की इमेज बहुत स्ट्रॉन्ग थी वर्कर्स में बिकॉज एसोसिएशन uh, में वो फाइटर एसोसिएशन जो अभी हमारा है पहले सात रास्ता करके मुंबई में एक जगह वहाँ हुआ करता तो थे तो डैड बहुत एक्टिव थे वर्कर्स के लिए मतलब वो फेमस थे वो प्रथा मैं भी फॉलो करता हूँ आज सिर्फ फाइटर्स ही नहीं बट जूनियर आर्टिस्ट में भी बिल्कुल अगर सौ का काम है तो दो सौ को बुला लो जो पुराने लोग हैं सौ बाहर बैठेंगे क्योंकि एक उम्र के बाद फिर काम नहीं मिलता चाहे वो डांसर्स हो या वो फाइटर्स हो या वो जूनियर आर्टिस्ट हो तो उनको बुला के फिर बाहर बिठा दिया करते थे कि आप लोग बैठो हम एक बार बहुत फेमस भी था उनका कि एक प्रोड्यूसर ने ऑब्जेक्शन उठाया था उन पर नाम याद नहीं मुझे कौन थे कि आपने तो आपको सौ लोगों की ज़रूरत है आपने सौ लोगों और बाहर बुला के बिठाए हैं पैसे तो हमको देने पड़ेंगे तो इसलिए कि ये सौ लिए काम करेंगे वो सौ तेरे लिए दुआ देंगे तो चुप रहे <laughs> तो जब यह हादसा हुआ तो उन्होंने अपने दिल पर ले लिया देनी स्टार्टेड ड्रिंकिंग ऑलो एल्कोहलिक हो गए थे उस तरह से फिर वो फिल्में छूटना शुरू हो गई और घर पे ही घर पे रहते थे थ्रू आउट मतलब यू मेक आउट के उन्होंने और वो बहुत बड़ा हिट ले लिया था उन्होंने और फिर आई थिंक एक साल की बात है 82 टू में देन ही पास्ट हो गए एंड वी न्यू कि वो भाई इस पास्ट हो गए किस्मत और बहुत हेल्पलेस भी लगती होगी उस टाइम उतना हाँ तो बट ठीक है लाइफ है क्या कर सकते ओके योर राइट लाइफ है इट कीप्स मूविंग ऑन ऐसा ही एक हादसा आपके सेट पे भी हुआ था और मेरे आपके सेट जाने पे वालों ने बताया कि, कि आप भी तीन चार दिन तक अपने, अपने प... <laughs> आप को अपने दरवाजे रूम से नहीं निकले इज देट ट्रू तीन चार दिन है एक दिन में क्या हुआ था? चेन्नई एक्सप्रेस की बात है चेन्नई एक्सप्रेस में एक शॉर्ट था कि गाड़ी कैनन आनंद थी और उसमें फायर पकड़ता क्या गाड़ी कैन अच्छा वो टेक्निकल नहीं है हम लोग थोड़ा सा विस्तार <laughs> से बताइए हम लोग तो सीधे ऐसे पर्दे पे देखते हैं ना हमको तो नहीं बताइए जो गाड़ी ऐसे ये जो उड़ती है उसको हम कैनन बोलते हैं क्योंकि उसके अंदर कैनन लगाया जाता है हाँ। अभी आप देखेंगे तो मैंने आजकल ताकि जो ऑडियंस है फैन वो देखे तो हम लोग पसंद आता था, तो में में था।, था, था कोई फर्क नहीं पड़ता बुंदेलखंड में स्कॉर्पियो वगैरह बहुत चलती है जो भी प्रधान का चुनाव जीतता है स्कॉर्पियो हाँ और स्कॉर्पियो जब जो भी निकलती है उसमें म्यूजिक मेरी फिल्म का चलता है या तो सूर्यवंशी वो यही बोलते बोलते उड़ेगी <laughs> जी तो आप तो वो गाड़ी को उड़ना था और उसमें हमने एक छोटा सा ब्लास्ट भी लगा उड़ती और फायर पकड़ लेती है वो गाड़ी तब उसमें होता ही है कि जब हम इस तरह की कोई चीज़ करते हैं तो हम पेट्रोल टैंक सब निकाल देते हैं ताकि वो फायर ना पकड़े तो किसी वो गलती से थोड़ा सा जब टैंक निकाल रहे थे तो हल्का सा पेट्रोल लीक होकर वो जो नीचे की चेसी पर आ गया था बॉडी में थोड़ा सा था एंड जो गाड़ी हम यूज कर रहे थे उसमें एक रिजर्व टैंक होती जो हमें पता नहीं था इम्पोर्टेड कार थी तो उसमें भी थोड़ा सा पेट्रोल रहेगा इंपोर्टेड कारों को भी उड़ा देते हो हाँ हा। <laughs> अच्छा तो तो बचपन से आप उड़ा रहे कारों को <laughs> तो शॉट हो गया था शॉट खत्म हुआ गाड़ी लैंड हुई सब कुछ हुआ हम फायर बुझाने गए फायर बुझ भी रही थी वो एक कोई चिंगारी उड़ के पीसी की तरफ गई और एकदम से उसने आग पकड़ लिया और ड्राइवर अंदर था शंकरान न करके जो मेरे डैड के साथ काम किया करते थे वो ड्राइवर शंकरन शंकर अन्ना उनका नाम शंकरान्ना तो किसी तरह से हम लोग सब पैनिक हो गए हम हम गए हमने फायर, अभी तो सेफ्टी बहुत रहती फायर हाँ, वगैरह पैनल के पीछे के पीछे पीछे होंगे मॉनिटर सब भागे हाँ, और हम सब जब भागे तो हम गाड़ी सीधी करने के लिए सब जा रहे थे वो शॉट हमने फिर रखा नहीं है मतलब मेकिंग में तो हमारे पास आज भी है वो कि सब जा रहे हैं और शॉर्ट नॉर्मल हो गया कि गाड़ी को भी सीधी करके शंकर को बाहर निकालेंगे एंड वो कब चिंगारी फ्लेम उड़ा और आग पकड़ा गाड़ी को वो मतलब विद इन फ्रैक्शन ऑफ सेकंड में गाड़ी ने आग पकड़ ली बट लकीली साइड पे फायर ब्रिगेड वगैरह सब था हम लोगों ने किसी तरह से अब वो गाड़ी को सीधी नहीं कर सकते गाड़ी फायर में तो आग बुझाई ग्लास तोड़ के उनको बाहर निकाला किसी तरह से थोड़ा सा उनको बर्न हुआ हाथ हाथ में हाथ जला उनका बाकी फायर सूट देते हैं अभी हम लोग अब बहुत प्रोग्रेस हो गया सब कुछ हेलमेट रहता है तो उस उस वजह से वो ये हो गया बट इट वॉज अ शॉकिंग इंसिडेंट क्योंकि सेम चीज़ डैड के साथ हुई थी बहुत साल पहले इट्स इट दैट मेमोरी फॉर अ सेकेंड एक आधे घंटे के लिए वैसा था बट देन फिर मैंने अपने गैदर करके उनको हॉस्पिटल ले गए ही फाइन नो अभी भी है हमारे साथ अगर वो शूटिंग पे नहीं भी आते तो मैं देखता हूँ उनका उनको पेमेंट वगैरह सब मिलती रहे क्या रहती है रोहित की अपनी कोप मैकेजम टू डी विद फियर एनी काइंडियर आई थिंक आप बहुत कम डर लगता है बट इंसान है तो डर तो लगेगा ही हर चीज को लेकर ट्रेनिंग ऐसी रही है काम की वजह से कि वो एक फ्रैक्शन ऑफ सेकंड थोड़ी देर का वो फियर रहता है इंसान झूठ नहीं बोलूँगा बट वो ओवरकम बहुत जल्दी कर लेता हूँ क्योंकि वो हमारा प्रोफेशन ऐसा है या लाइफ ऐसी कि हाथ से तो होते रहता है इंडियन पुलिस फोर्स के वक्त मैं एक्सटेंड कर रहा था और गाड़ी पलट गई अगर आप देखेंगे तो ये उंगली टेढ़ी है ये इंडियन पुलिस फोर्स की देना फ्रैक्चर टूट गई थी हाँ ये

तो चार लीटर ब्लड निकले ये अगर आप देखेंगे तो दूसरे सीक्वेंस में टूटा हुआ है तो अभी क्या डरूंगा मैं यू यू मेक इट साउंड सो सिंपल बट इट्स नॉट सिंपल और मेरी प्रॉब्लम है हाइपर एक्टिव बॉडी है तो जब ऑपरेशन थिएटर में रहते हैं तो सुन जो एनिस्तीसिया देते हैं तो नॉर्मल को एक देना पड़ता है मुझे चार चार देना पड़ता है बॉडी वो नहीं होती सुन नहीं होती है जल्दी ये ऊपर भी स्टिचेस हो रखे हैं ये भी अलग से एक स्टिच है ये एक स्टिच है कभी ऐसा हुआ कि फुर्सत में जख्म गिने हो दुआएं गिन लेता हूँ घर वाले कभी कहते हैं कि खुद क्यों करते हो या कुछ अब बोलना शुरू कर दिया अब हो गया अब बस करो बट वो हर्ट लॉकर पिक्चर देखी है आपने जी <laughs> कि वो जाएगा ही फील्ड में बंदा उसकी कॉलिंग ही वही है वो नहीं कभी खत्म होगा ये है कि उसका क्रेडिट नहीं मिलता एक्शन का हिंदुस्तान में एक तबके के लोग हैं जो बहुत पसंद करते हैं प्यार करते हैं और एक तबके के लोग हैं जो मजाक उड़ाते हैं तो तब वो दुख होता था पहले पहले के यार इतनी मेहनत कर रहे हैं फिर वो बोलते थे क्यों कर रहे हो आप हमने थोड़ी बोला आपको करने फिर हमने उस पर मैंने अपने आप को स्कॉर्पियो उड़ा रहे हैं गाड़ी उड़ा रहे हैं ये कोई तरीका एक्शन क्यों कर रहे हैं कौन बोलता है ये सब करने के लिए फिर एक और चीज़ चिड़ा देखिए रियल होता है कि ये सब नहीं पर जब हम लोग क्राउचिंग टाइगर हिडन ड्रैगन या मैट्रिक्स या एम ये सब देख रहे हैं तब तो हम बहुत ताली पीटते हैं क्या कमाल दिखा रहे हैं वो फॉरन से है ना तो उनका ठीक है हमारा ठीक नहीं है अब जाके होने लगा है अब अब एक्शन हमारा भी उस लेवल पे आने लगा है हम फंसते हैं बजट में उनका मार्केट वर्ल्ड मार्केट है हमारा वर्ल्ड मार्केट का है हमारा तो हिंदुस्तान में ही कॉम्पिटि है ना आपको भी बजट रहते हैं हाँ। क्योंकि बिजनेस उतना नहीं है ना जैसे अभी हम जितनी भी फिल्में बना मैं पिछले पांच, चार पाँच साल से जो फिल्में मैंने बनाई हैं एक आध फिल्म छोड़ के वो अगर चलेगी तो ही पैसा आएगा वैसे थी तो, बनाने में ही इतना खर्चा आ जाता है आ क्योंकि अभी ये हो गया है कि जो न्यू जनरेशन है उनका जो एक्सपोजर है वो एक्सपोजर है हॉलीवुड की फिल्मों से या इवन अगर आप उनके वेब सीरीज देखें तो क्योंकि उनके पास वो बजट है हमारे पास वो बजट है नहीं और हमको उनसे कॉम्पीट करना है क्योंकि हमारी ऑडियंस चेंज हो गई इवॉल्व हो गई है तो अब हमको भी लाइक हम सभी एक रीस्टार्ट कर रहे हैं अगर आप देखें तो हम फिर से और मज़ा भी आ रहा है चैलेंजिंग है रिसर्च वर्क ज़्यादा हो गया, हो गया, हो गया क्योंकि है एक्शन पे मेहनत ज़्यादा हो गई है मेकिंग में मेहनत ज़्यादा हो गई है क्योंकि क्योंकि नहीं हम अब तक जो कर रहे थे या कोविड के पहले तक जो कर रहे थे अब हमारे जो यंगस्टर्स हैं या हमारी ऑडियंस है वो इवॉल्व हो गई है पिछले दो साल में जब घर में बैठ के इतना कॉन्टेंट देख लिया है इसलिए अगर आप देखें तो फिल्में कम हो गई हैं बनना

उसके पहले ये हुआ कि पेंडेमिक में चीजें बहुत चेंज हुई hmm. लोगों ने घर में बहुत सारा कंटेंट देख लिया hmm. और जैसे कि मैंने कहा कि अगर आप मैं पिछले साल की बात करूं तो आप उंगलियों गिन सकते हैं फिल्में hmm. पठान है जवान है गदर है डंकी hmm. है और एक दो फिल्म ट्वेल्थ फेल है एनिमल एनिमल है कुछ मिला के साथ देखी आपने? अभी तक नहीं देखी क्योंकि मैं इसमें बिजी हूँ

कोई जेंडर को लेकर कभी नहीं क्योंकि मैं उस चीज़ का ध्यान रखता हूँ तो मैं क्योंकि मेरी ऑडियंस वैसी मेरी फैमिली ऑडियंस है इसलिए जब हम वेब सीरीज़ भी करें तो हमारे पास पूरी छूट थी लेकिन वो थर्ड एपिसोड में एक और मैं बता भी रहा हूँ कल या परसों जब भी वो आएगा मतलब जब भी सीरीज़ आएगी अगर आप देखें थर्ड एपिसोड में एक आध गाली है वो भी पुलिस वाला दे, दे देता है गुस्से में और लास्ट एपिसोड में एक आध गाली है उसके अलावा फैमिली के साथ बैठ के देख सकते हैं वो शो क्योंकि कहीं ना कहीं मैं देखता हूँ मैं अपने घर में भी ऑब्जर्व करता हूँ या बाकी भी देखो तो सारे डरे हुए रहते हैं जब आप देख रहे हैं ना सीरीज के अगर आप मम्मी के साथ बैठ पता नहीं अगले सीन में क्या आ जाएगा तो वो डर नहीं रखना चाहता था मैं ऐसा होता है आप घर में सब घर वालों के साथ बैठ के देखते हैं बट क्या देखा सबसे आखिरी मैंने क्या देखा होगा ये टीवी भी चलती रहती है तो उनके साथ बैठ जाता मिनट के मैं भी घर पे टीवी सीरियल <laughs> रोहित शेट्टी बैठ के अनुपमा देखते हैं क्या आ, मम्मी देख रही होती है क्योंकि एक वो रूल है जब भी मैं घर में जाता हूँ तो या तो उन, मैं वो मेरे बेटे को भी वो रूल डाला हुआ भाई हम दस मिनट पंद्रह मिनट में उनको मिलता ही हूँ बेडरूम में जाके तो उस वक्त जो चल रहा होता तो फिर वो देखो भाई साथ में वो तो नहीं होता यार ये क्या चल रहा है क्या नहीं नहीं अब उनको पसंद आ रहा है मतलब सही है बहुत सिंपल है लॉजिक मैं तो यही मानता हूँ कभी भी जैसे डिबेट होती है किसी भी फिल्म की भी है कि वो चल गई है तो वो एक तबके के लोगों को पसंद आई इसलिए चली वरना क्यों चलेगी सीरियल्स का भी है कि कुछ लोगों वो पसंद आ रहा है। वरना क्यों चलेगा जो, और जो नहीं पसंद आता वो नहीं चलता बहुत सिंपल लॉजिक उसमें ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत ही नहीं है हम लोग चलने की वॉट वर्क वॉट नॉट वर्क की बात कर रहे हैं जब फूल और कांटे रिलीज हुई तो उसके गाने बहुत सुपरहिट हुए थे और एक्शन की बहुत बात हुई थी आप लोग कैसे गौज करते हैं हैं जो फिल्म के यूनिट में में जुड़े हुए कि मुंबई कैसी चल रही है अलग-अलग सर्किट like, तो 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 क्या? 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 हम वेट करते थे बिजनेस क्या होगा क्या नहीं होगा आजकल ट्विटर पर ही पता चल जाता है ट्विटर पे तो कई चीजें मैन्युफैक्चर्ड भी होती है जो बहुत सारे जो मतलब जो इन्फ्लुंजर कहते हैं मैं उनकी बात नहीं कर रहा हूँ वो तो मतलब आधे से ज्यादा सेट होते हैं मैं बाकियों की बात कर रहा बाकी आधे बच्चे हैं अभी सेट होने से आधे बच्चे हैं आधे तो सेट हो गए अच्छा। फैन है मतलब एक हीरो की शुरू हो रही है तो दूसरे के फैन क्लब गालियां दे रहे हैं ओके। कोई कोई ट्रोल कर रहा रहे नाइनटी तो परसेंट इसलिए मैं मैं तो हमेशा बोलता हूँ सेक्शन बंद ही कर दो क्योंकि आपको पता चल जाता है मैं पुलिस के लिए इतना काम किया है मैं साइबर सेल को जानता हूँ आग की शर्म की वजह से मैं चुप हो जाता हूँ कई बार अच्छा ये ये एक्टर करवा है अच्छा ये ये करवा है ये एक्टर्स ही अपने-अपने फैन ग्रुप को एक्टिवेट हाँ, मतलब हाँ, मतलब तो शर्म के लिए नहीं खोलू क्योंकि मेरे पे कोई करता नहीं है ज्यादातर और इसलिए नहीं करते उनको पता है मुझे पता चल जाएगा आप बहुत ईजी भी हो जाता है ना आप अगर फॉलोअर्स को देखेंगे तो जीरो फॉलोअर वन फॉलोअर टू पोस्ट उनका वो काम ही हुआ बारह सौ रुपया लेके

स्ट्रगल हो गया अब बहुत बड़ा स्ट्रगल हो गया किसी की भी इमेज बनाना और बिगाड़ना वाले वो हमारे पास नहीं आता हम थोड़ा ओल्ड स्कूल वाले है ना बुराई वाला सिस्टम ये सब हम लोग नहीं करते ना कहीं मुझे तो कर्मा घूम के आता है मैं कर्मा में बिलीव करता हूँ तो वो मतलब आज मैं किसी का बुरा करूंगा तो वो के मेरे पे भी आएगा और थोड़ा सा मर्दों की तरह काम करने में मजा आता है ना चली तो चली हमने बनाई नहीं चली भी तो हमने बनाई ठीक है आगे बढ़ते हैं किसी को नीचे दिखा के ऊपर आने में क्या मजा है और अब जरूरत भी नहीं ऊपर वाले ने इतना दिया है ऑडियंस ने इतना प्यार दिया है क्या क्यों करें सब <laughs> जमीन रिलीज हुई थी तब क्या था

पे चलती है, ना? हाँ. अब जब मीन की बात सब करते है मैं सब तब क्यों नहीं की <laughs> <laughs> होता है कई बार कुछ फिल्मों की किस्मत होती है नो? जैसे अंदाज अपना अपना तब थिएटर में नहीं चली थी आज वो कई फिल्म और मेरे को मैं आपको डेट भी बता सकता हूँ सुहाग hmm. uh, कुमार हाँ. सुहाग और अंदाज अपना अपना सुहाग सिल्वर जुबली हुई थी पच्चीस अंदाज अपना अपना नहीं चली थी वो हिस्ट्री पता ही नहीं किसी को और आज वो है चुपके 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 नहीं चली थी आज है

कि अमित जी को जिंदा करो किसी ने बोला गब्बर की वॉइस खराब है किसी ने बोला अमित जी को जिंदा कर दो क्योंकि अमित जी तब ने अपने परफॉर्मेंस से वो नि निकाला है अगर उस जमाने की आपसे सो, सोचे हाँ। तो हीरोइन भी विधवा है रोमांटिक गाना भी नहीं है सोलो सीन्स भी नहीं है एक ही सीन है मौसी के साथ सोलो

या देव साहब के टाइम से ले ही वॉज वेरी यंग जब वो एक्शन डायरेक्टर बन गए थे तो अगर मैं आपको बोलूँ जब प्यार किसी से होता है अगर मैं आपको बोलूँ इवनिंग इन पैरिस द ट्रेन अगर मैं आपको बोलू अमित जी की सारी और धर्म जी की सारी जो उस जमाने की टॉप फिल्म है क्योंकि वो एक्टर थे तो लोगों को पता नहीं आम आदमी को ये नहीं पता चलता हाँ। कि वो एक्शन डायरेक्टर है एक्चुअली एक्टर नहीं है मुनीम जी करके एक की की फिल्म थी, साहब जितनी फिल्में हुआ सुभाष की तो सब किया तो और एक्शन भी किया कालीचरण हो गया विश्वन, विश्वनाथ हो गई डॉन त्रिशूल दीवार काला पत्थर ग्रेट गैम्बलर इवनिंग इन पैरिस किया जो ग्लास ब्रेक करके बंदा बाहर निकलता है वो इन्वेंट उन्होंने किया आजकल तो हम वो ऐसा छोटा सा एक बुलेट ब्लास लगाते हैं और ग्लास भी वो आ गए उनको हम, हम मैं आपको डिटेल में बताना पड़ेगा वरना बताइए टफन टफन ग्लास होता होता है है जो गाड़ियों के आ, गाड़ी जब आप चलाते हैं विंडशील्ड पे होता, उसको टफन ग्लास बोलते हैं वो सेफ्टी इसलिए होता है कि कभी पत्थर आके गिरा या टूटा आप कभी देखेंगे नहीं कि किसी को कांच घुस गया जी बिल्कुल क्योंकि वो थिक होता है तो आजकल हम लोग वो यूज करते हैं उस जमाने में ऐसा नहीं था तो पतले ग्लास होते थे तो जब वो तोड़ो तो लगना ही लगना है फाइटर को फिर तो वो उन्होंने इन्वेंट किया था अगर ग्लास ब्रेक करके आदमी निकलेगा तो कैसा होगा ब्लास्टिंग उन्होंने इन्वेंट की थी कि अच्छा बुलेट में अगर इतना पेट्रोल डालेंगे तो ब्लास्ट होगा तो कैसा होगा जो पीछे आग निकलती कभी डायरेक्टर एंड सन रोहित शेट्टी के दिमाग में ये आया कि आ, फादर ने जो इतनी सारी चीजें की उस जमाने के जो लोग हैं आ, उनके वीडियो रिकॉर्ड करके बहुत बार ऐसा क्योंकि क्या हो रहा है ना, हमारी जनरेशन मतलब थी जिन्होंने रियल में इस तरह की इन्वेंट की खत्म हो रही हुँ. जैसे मतलब सलीम साहब हो गए जावेद साहब हो गए अगर आप देखें जब वो बात करते हैं तो आप घंटों तक सुन सकते हैं जी बिल्कुल आज आज आपको ऐसे राइटर का नाम ले सकता आज मैं हमेशा ये कहता हूँ कि हम हम क्योंकि डायरेक्टर है तो उसको सबसे ज्यादा गालियां पड़ती है बट कमी है हमारे पास राइटर्स की हिंदी सिनेमा की मैं तेलुगु या तमिल की नहीं बात कर रहा हूँ और मैं ये खुल के बोल सकता हूँ डायरेक्टर के हमारे पास राइटर्स की थोड़ी सी कमी हो गई या हो सकता है कि जो न्यू जनरेशन के राइटर्स है वो पहुँच नहीं पा रहे हम तक ये, ये भी एक पॉसिबिलिटी ये भी एक पॉसिबिलिटी ये कहना कि नहीं टैलेंटेड लोग नहीं हो सकता वो कहीं ना कहीं वो एक जो एक मैरिज है वो नहीं हो पा रहा वरना आप सलीम जावेद साहब अगर आप निकाल दो सेवेंटी से तो शोले निकल जाएगी दीवार निकल जाएगी जंजीर निकल जाएगी यादों की बारात निकल जाएगी डॉन निकल जाएगी फिर आप सेवेंटी सोचो तो कैसा है बेसिकली एक राइटर इसलिए आप देखें ज्यादातर जो राइटर डायरेक्टर है वो ही सर्वाइव कर पाते हैं डायरेक्टर को राइटर की राइटिंग की सेंस है तो उसके उसका करियर यू हैव अ राइटिंग टीम आई हैव अ राइटिंग टीम अब और भी लोग आते जा रहे हैं नए जुड़ते जा रहे हैं अभी हमने वो शुरू किया है कि बहुत सारे अभी तो जैसे सिंगम अगेन कर रहे तो उसमें आठ आठ नए लोग बैठे हुए मेरे साथ में काम करना नए एक विचार वाले लोग क्योंकि कहीं ना कहीं एक एज फैक्टर तो आता है ये कि आपको एक कनेक्टिविटी के लिए और बहुत जल्दी वो जैसे मेरे एडीज भी हैं सब नए हैं वो मुझे अभी सिखाते रहते हैं कि इंस्टाग्राम क्या है ये अब क्या आ गया ट्विटर पे क्या आ गया अब ये नया सॉफ्टवेयर आ गया तो अब हम वापस स्टूडेंट हो गए जो हम सीख रहे हैं so, उनसे अपना कि मैं रोहित शेट्टी से एक कॉल एक प्रॉमिस ले लूँ आप बताइए भाई साहब आपके पास रिसोर्स हैं कैपेबिलिटी है इंटेंट है, है शेट्टी साहब और उस जमाने में एक्शन कैसा होता था इसको कब आप डॉक्यूमेंट करेंगे so that हमारी और हमारे बाद की जनरेशन उस समय के राइटर से बात कैसे शुरू तो नहीं, रहेंगी। नहीं रहेंगी और बहुत कमाल का काम हुआ काम और पहले एक जो होता था, पहले ट्रायल्स हुआ करती थी पूरी यूनिट फिल्म देखती थी मतलब ऐसा नहीं होता था कि हमने रिलीज डेट अब जैसा कॉम्पिटिशन हो गया शुड मूर्त जब फिल्म शुरू हुई उसी दिन रिलीज डेट डाल दिया अपने आप बना रहे तब ऐसा अब हमने बंद कर दिया पहले करते पहले हम लोग सब करते थे अब ये हो गया है कोविड के बाद से जो हम इंडस्ट्री फेस कर रही है जो एक आम आदमी नहीं समझ पा रहा है चीज को कंपटीशन वाइज कंपटीशन रहा ही नहीं हम दो फिल्में बनाते थे जैसे अगर अभी हम 2024 में बैठे हैं हमारे पास चार्ट आ जाता है फाइटर एक फिल्म आ रही है अभी जो एक बड़ी फिल्म है फिर एक छोटे में या बड़े मिया अक्षय और टाइगर की एक फिल्म है एक सिंगामा गया है ना, एक पुष्पा है एक प्रभास की कालकी है एक हाथ कोई और फिल्म होगी छह बड़ी फिल्में हैं पूरे साल में जहाँ मारा मारी हुआ करती थी एक ही साथ दो फिल्में आना एक ही हफ्ते में दो दो फिल्में आना क्योंकि वीक्स मिलते नहीं थे इसलिए आना था किसी को कॉम्पिटिशन नहीं करना होता नहीं। क्योंकि ये सबका एक लॉजिक होता है कि अरे ये आप नहीं आएंगे तो अगले हफ्ते ये हो जाएगा अगले अब फिल्में ही नहीं है बड़ी फिल्म बनी नहीं रही मिड साइज फिल्म लोगों का अभी कॉस्ट 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 रिकवर नहीं हो रही क्या है रीजन ज्यादा हो गया जो मिड साइज फिल्म होती थी जो इनको बैलेंस करती थी कि एक बड़ी फिल्म आ गई फिर दो तीन हफ्ते तक एक मिड साइज छोटी फिल्म आ गई स्वीट सी फिल्म आ गई कहीं ना कहीं ऑडियंस अब वो देखता है कि अच्छा ये तो मैं दो दो महीने बाद ओटीटी पे देख लूंगा ओटीटी पे देख लूंगा, पे देख लूंगा। hmm. जब तक या तो फिर ऐसी कुछ हो जैसे की ट्वेल्थ फेल इतनी चर्चा में आ जाएगी सबको देखनी है तो वो थोड़ा सा हाँ, मतलब, हम हम exactly. तो वो 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 जिससे हम सब जूझ रहे हैं। कहीं ना कहीं हम पहुंच जाएंगे जैसे वो 80s में भी ये दौर था ऐसा नहीं था 80s में भी हो गया था बड़े डायरेक्टर्स थे अगर आप जैसे हम हिस्ट्री की बात करें जैसे आज हम सब ओ टी कर रहे हैं उस जमाने के सारे बड़े डायरेक्टर्स ने टेलीविजन किया हुआ रमेश सिप्पी साहब ने बुनियाद किया Uh, बी आर चोपड़ा साहब रवि चोपड़ा साहब ने महाभारत किया है रामानंद सागर साहब ने रामायण की हुई है देन कुंदन शाह की बात ले लीजिए आप uh, या अजीज मिर्जा जी, जी जी की बात है नुक्कड़ आप देख लीजिए बिल्कुल याश yes, चोपड़ा जी ने किया हुआ है टेलीविजन तो सब उस जमाने में टेलीविजन किया करते थे ऐसा नहीं कि नहीं, कि नहीं करते थे uh, भट्ट साहब ने टीवी के लिए फिल्में की हुई हैं क्योंकि वो दौर वो वीसीआर वाला आ गया था जब लोग थिएटर में नहीं जा रहे थे दस साल तक वो दौर रहा और साउथ वालों ने आकर तीन तीन महीने में फिल्म बनाना शुरू की थी एंड टेन इस वो डोमिनेशन रहा तीन महीने में फिल्म बना थी। हाँ, तीन तीन चार चार महीने में साउथ में फिल्म बन जाती थी और तब हमारे यहाँ दो दो साल लगती थी अगर आप वो देखें पूरा करियर जीतू जी का जो एक वो सेकेंड रन आया उनका हिम्मत वाला से शुरू हुआ हिम्मत वाला तोहफा जस्टिस चौधरी मवाली मास्टर जी ये सारी अगर फिर अमित जी ने भी किया अंधा कानून आप देखे रजनी सर आ गए थे फिर कमल हसन सर आ गए थे तो ये सारी एक दूसरे के लिए तो बहुत पहले हाँ की है खैर लेकिन वो एक गिरफ्तार ये सारी फिल्में तो टेन ईयर्स वो चला माहौल जहाँ जब वो सारी फिल्में चलती थी और हमारे जो मेकर्स थे उसमें तो सुभाष भाई सर थे एक जो मेरी जंग हीरो बड़ी फिल्में राम लखनऊन बना रहे थे मुकुल आनंद सर आ गए थे जिन्होंने हम अग्निपथ जी बिग स्केल इंसान बना रहे थे जब स्के विनोद खन्ना सर चले गए थे वो वापस आ गए थे वो शो के लिए जब गए वो तो फिर वो इंसान करके एक बहुत बड़ी फिल्म थी मुकुल आनंद सर ने डायरेक्ट की थी डिम्पल कपाड़िया और जी और विनोद खन्ना सर के साथ तो वो वो एक स्ट्रगल का दौर था तो वही अब उसी दौर से हम सब वापस गुजर रहे हैं प्रॉमिस आपने नहीं किया लेकिन अभी तक मैं करना चाहता हूं मैं हंड्रेड परसेंट करूंगा पक्का हंड्रेड एंड टेन परसेंट क्योंकि बहुत कहानी है अगर उन मतलब उनपे किताब भी आनी चाहिए उनकी बायोग्राफी हम सब लोगों के लिए उनसे ही वो वो शुरू होता है कि एक्शन डायरेक्टर exactly. या वो सारी चीजें उसके पहले मैं नहीं पता था जैसे शोले के हम like बात कर रहे तो प्रॉब्लम तो जाके इनको लिया गया। तो उस जमाने में ऐसा होता था क्या फादर साहब ने बताया हो या देखा हो विलेन को बहुत वर्जिश वर्जिश करनी क्योंकि भाई एक्शन करना है हाँ तब ऐसा होता है कि लंबे चौड़े होना बहुत जरूरी है तो वो, वो सारे ही वैसे थे स्टंट वाले भी वो किया करते थे अखाड़ा जैसा रहता था या बीच पर जाके सारे मिलते थे और वर्कआउट किया करते थे तो वो र, दौर था वैसा कि सारे लंबे चौड़े होना चाहिए तो आप करते हो कभी बीच पे वर्कआउट पहले करते थे हम लोग तो नाइन्टीज में जब हमने शुरू किया था क्योंकि उधर गिरो तो मार नहीं लगती है रेत की वजह से इसलिए बीच पे जाते हैं सबसे बड़ा कारण वो है अच्छा क्योंकि अभी तो खैर पैडिंग्स आ गई हैं क्रैश मैट बोलते हैं जो गद्दे आ गए जी। हैं तो तब उस जमाने में नहीं हुआ करता था तो तो बहुत किया है वैसा काम हमने। और वो जो पीरियड था वो बहुत कमाल का पीरियड था इन्वेंशन बहुत हुई उस पीरियड में मिस्टर इंडिया आप देखें अगर कैसे बन सकते हैं आज तो स्पेशल इफेक्ट आ गया उस जमाने में इतना स्पेशल हाँ वो हनुमान जी की तरह उसको टांग दिया वो मार रहे हैं वो एग्जैक्टली वो वीरू जी ने किया है तो जो हनुमान जी जब वो उड़ रहे हैं तो वो एक्चुअली एक, एक केबल है और लाइटिंग वैसे की है बाबा आजमी साहब ने हम लोग इतने मजे आते हनुमान बोल रहा और नहीं। है Correct, और दिखे नहीं। हाँ। तो पहले इन्वेंशन बहुत हुए। अब अब तो खैर इजी हो गया अभी तो आपकी पूरी एक टीम मुस्तैद रहती होगी कि ये नई नई टेक्नोलॉजी आ रही है ये कर सकते कितनी असंभव हर हर हफ्ते कुछ नया आता है हर हफ्ते कुछ नया आता है अब बहुत चैलेंजिंग हो गया है नई ए आ रहा है अब वो पता नहीं क्या करेगा और कैमरे नए आ जाते हैं मतलब शेट्टी तो की, 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 की तरह कार्य दे दिए आपको हाँ, वो तो वो आ, आ, वो हाँ, हाँ, उठा पटक करके कर देता है और पता चले वही तीन लोग सेम चीज बना रहे हैं क्योंकि उन्होंने सेम चीज जमीन नहीं चली जमीन बिल्कुल नहीं चली थी मतलब ठीक ठाक गई थी एंड फिर फिर स्ट्रगल शुरू हो गया एंड hmm. फिर uh, ये हुआ कि एक दिन uh, हम लोग एक थ्रिलर के मैंने एक सब्जेक्ट लिखा था थ्रिलर था, कॉप की कहानी आपने के. खुद लिखी थी हाँ मतलब टीम थी साथ में hmm. और uh, क्या वर्किंग टाइटल था रखा नहीं था, था बस बनाना शुरू कर दिया था लिखना शुरू किया था और अष्ट विनायक करके एक कंपनी थी जी इम्तियाज की फोटो देख आ रहा है क्योंकि इम्तियाज ने उस वक्त बनाई थी सोचा ना था हाँ जी तो वो भी नहीं चली थी और मैंने बनाई थी जमीन वो भी नहीं चली थी और एक नई कंपनी आई थी अष्ट विनायक उन्होंने दो डायरेक्टर को साइन किया था आपको और उनको कि मुझे और इम्तियाज तो का ऐसा था ये मेरा, ये इम्तियाज का और पूरी इंडस्ट्री मजाक उड़ाती थी, थी कि 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 एक नया आया और दो ऐसे डायरेक्टर साइन किया जिन्होंने दो है। अरे हिस्ट्री है, है कि कि उसी वक्त इम्तियाज ने जब भी मैं बनाई और मैंने गोलमाल बनाई दोनों बहुत कम लोग जानते है इसी प्रोग्राम में आए थे जो भी गेस्ट आते हैं उनकी फिर फोटो यहाँ पे

अच्छी चीज भी खराब हो जाती है तो वक्त सही होगा तब मेरे पास मैं बोला इधर एक सब्जेक्ट है मेरे को तो सुनाओ तेरे को तो मैं बोला इम्तियाज अपना नीरज हो रहा मुझे सब्जेक्ट सुना बोला हाँ सर प्लीज तो उन्होंने मुझे अफलातून प्ले का आइडिया एक प्ले था ऐसा ऐसा था तेरे को बनानी है सर आप लिखेंगे बोला हाँ और कौन लिखेगा मैं लिख के दूंगा तुझे नीरज हो रहा मैं एक पहली फिल्म जो नहीं चली उसको बोल रहा है कि मैं लिख के देता हूँ तुझे मैंने सुना मैंने अजय सर को फ़ोन किया तो वो ऑफिस में थे मैंने सर ये एक सब्जेक्ट है आप सुन लो तो वॉज लाइक है तेरे को जो बनाना है बना मैं तेरे साथ खड़ा हूँ ये पहली फिल्म नहीं चली थी और फिर गोलमाल शुरू हुई और गोलमाल बनी थी कि कॉमेडी है सर्वाइवल के कि एक पिक्चर तो चल जाएगी तो एक पिक्चर और मिल जाएगी किसको पता था कि वो ब्रांड बन जाएगा इतना कल्ट। बड़ा कल्ट आज जो और उसकी एक इमोशन गोलमाल की जो मैं देखता हूँ ना वो इसलिए भी एक जो प्यार है गोलमाल के साथ

ये सवाल है लोगों का नहीं, नहीं, हाँ, नहीं।, नहीं वही अभी लिखना शुरू कर रहे हैं हम लोग आइडिया सोच रहे बट वही हो गया कि और क्या बड़ा करे और यूनिक करे। स्टार कास्ट चेंज तो नहीं होगी मैं बिलीव नहीं करता उसमें और लोग जुड़िया हैं तो बात अलग है बट चेंज नहीं करूंगा कुछ दिनों पहले हमारे यहाँ न्यूज रूम के लिए मुकेश तिवारी जी तो वो भी कहानियां सुना रहे थे हाँ, वो I think उनका पहली फिल्म थी जिसमें उन्होंने पॉजिटिव रोल किया था। हाँ, की, के साथ संजय मिश्रा जी हाँ संजय हाँ, भैया हाँ। हाँ, आपको कॉमेडी करनी चाहिए अरे यार कहा करूंगा ये आपको आपका स्ट्रीक हम लोग बैठ के मस्ती मजाक किया करते थे तब तक उन्होंने किया था सत्य और जमीन वैसे ही रोल किया करते थे फिर उनको मैंने गोलमाल में विलन लिया था बट कार्टून आ, था वो एंड उन्होंने इतना अच्छा परफॉर्म किया फिर वहाँ से कॉमेडी का सिलसिला शुरू हुआ उनका भी आ, और मुकेश तिवारी जी का भी तो सब अपने ही लोग थे मतलब जमीन वाले थे सब तो मैं बोला मैं कॉमेडी बना रहा हूँ लेकिन इनको तो छोड़ नहीं सकता तो तुम सब विलन कॉमेडी करो टीम वही रही फिर संजय मिश्रा जी और मुकेश तिवारी सर

मैं मन्नत से निकल के सीधा अजय सर के पास गया मैं शाहरुख सर ने बोला तो बहुत खुश हुआ हाँ कर अच्छा है करना चाहिए और फिर हुआ ये कि लोगों को ऐसा लगता है कि रिफ्ट हुआ रहेगा या वो बट हम लोग ऑन द रोल थे जब जब बोल बच्चन बन रही थी तब चेन्नई एक्सप्रेस का पोस्ट पोस्टक्ट प्रडुक, प्री प्रोडक्शन चल रहा था और जब चेन्नई एक्सप्रेस बन रही थी तब सिंगम रिटर्न का पोस्ट प्रोडक्शन प्री प्रोडक्शन चल रहा था तो ऐसा नहीं कि रिफ्ट हो गया या ऐसा कुछ क्योंकि हम लोग काम ही करते रहे साल दर साल तो ऐसा कुछ नहीं था

अब अब सारे ऊपर से लेके नीचे तक सब ट्रोल हो रहे तो अब किसी को पड़ी ही है अच्छा आज अरे आपके बारे में यार कुछ ट्रोल होना चार घंटे की कहानी रह गई और अभी इतना हो गया सबको पता है सब बकवास चल रहा है आपने कभी किसी को फोन करके घरिया नहीं मैं मुझे जरूरत ही नहीं पड़ी कभी तो सब डर दो पागल आदमी है तो क्यों डरते हैं कुछ तो उनके सामने प्रेसिडेंस होगा ना मैं नो फिल्टर हूं मतलब मेरे को पॉलिटिक्स नहीं आती तो मेरा ये है कि मैंने किसी से कोई फायदा नहीं उठाया मैंने कभी किसी की बुराई नहीं की है क्या तुम्हें पता है कि ये हो रहा है वो हो रहा है तो वो डर नहीं है मतलब वो एक सच्चाई की डर होता है ना कि सच्चाई सच्चाई है इसलिए डर नहीं है नहीं। और इसलिए सामने वाले को डर है कि भाई इसके वाले में अगर कुछ गलत लिखा जो कि नहीं हो रहा है तो प्रॉब्लम में आ जाएंगे आपने गोलमाल बनाई सुपर डुपर हिट हुई

और फिर ऑल द बेस्ट चल गई और uh, फिर उसके बाद गोलमाल थ्री बना रहे थे तो मैं मिथुन दा के पास गया मैं मिथुन दा कॉमेडी करेंगे तो मैं मिथुन दा और रत्ना पाठक जी को लेके आया और उसमें श्रेय अजय सर को जाता है अगर आप फिल्म देखेंगे तो रत्ना पाठक जी और मिथुन दा की फिल्म है नहीं। नहीं। उसका भी एक वो प्रेम चोपड़ा के साथ सीन बहुत फेमस है जी। कहां राजा भोज कहा गंगू तेली मुझे मुझे नहीं पता दोनों कहा है तो वो जब बन रही थी तब सिंगम हमने उसके बाद हमने सिंगम बनाई तो सिंगम रीमेक थी सिंगम मेरी ओरिजिनल स्क्रिप्ट नहीं है बट उसमें हमने फिर उसको मोल्ड किया तीन चार सीन रखकर और जैसे अगर आप दोनों सिंगम देखें तो प्रकाश राज का कैरेक्टर हमारा क्लाइमैक्स सोनाली कुलकर्णी की जो पूरी कहानी है जिसपे पूरी फिल्म बेस्ड है वो सब फिर हमने उसको रिवर्क करके हमने डाला

ये कॉमेडी फिल्म में बहुत अच्छी बनाता है रोहित हो गया गोलमाल के वक्त हुआ था कि गोलमाल चल गई थी गोलमाल सर्वाइवल के लिए थी कि कॉमेडी है अच्छी है बेसिक है, एक, एक, उस वो दौर ऐसा था कि कॉमेडी चलती चलती थी हलचल हंगामा हेरा फेरी है, वो दौर अगर आप आते चुप चुप के सारी फिल्में चली भागम भाग तो गोलमाल बनाई वो चल गई ऑल द बेस्ट का सब्जेक्ट आया ऑल द बेस्ट फिर बनाई वो चल गई फिर गोलमाल थ्री सुपर हिट गोलमाल थ्री गजनी पहली फिल्म थी जो हंड्रेड करोड़ किया था जिसने और उसके बाद गोलमाल थ्री पहली कॉमेडी फिल्म थी जिसने हंड्रेड करोड़ किया था टू थाउजेंड की बात कर रहा हूँ और फिर तब ऐसा लगने लगा कि अब एक्शन करना है वापस लेकिन एक होता है ना कि आप ढूंढना शुरू करो तो वो अपने आप आपको यूनिवर्स भेज देता है सब्जेक्ट तो मैं ऑल द बेस्ट के वक्त ही शुरू हो गया था कि एक्शन करना है एक्शन करना तो पूरी भड़ास में गानों वानों में गाड़ियाँ वाड़ियाँ उड़ा के कर लेता था तो फिर गोलमाल थ्री के बाद मिला ये सिंगम बनाने का मौका और फिर मैंने अजय सर बोला कि एक्शन फिल्म हमने सोचा था करने का ये सब्जेक्ट करते हैं और वो साढ़े चार महीने में फिल्म हमने बना के रिलीज की थी डे नाइट काम करके और वो फिर और वो भी मुझे आज भी याद है कि वो भी हमारा ये था ना मैं और यूनुस सजावल जो मेरे राइटर हम बैठते थे कि यार हमारा क्या नाम है यूनुस सजावल उन्होंने बहुत काम किया डेविड सर के साथ भी बहुत काम किया तो हमारा ये था कि जो फैक्ट मैं आपको बता रहा हूँ इंसान सोचता है कैसे कि हमारा ये था कि हम सिंगम तो बना रहे बट लोग हमारी कॉमेडी पसंद करते हैं। नहीं चली तो, तो हमारा ये थे कि नहीं चलेगी तो पीछे बोलबचन आ रही है और चेन्नई एक्सप्रेस आ रही है तो हम बच जाएंगे क्योंकि कॉमेडी हाँ, और उस जमाने में एक वांटेड चली थी हाँ। और ज्यादा मास एक्शन फिल्में चलती नहीं थी और ये बहुत मासी फिल्म थी तो एक डर भी था हमने फ्राइडे को रिलीज होगी वो फिल्म और हमको उम्मीद ठीक ठाक थी उससे हमको ये नहीं लगा था कि वो फिल्म कल्ट होने वाली है और उसी दिन शाम को एक बिग बॉस सीरीज आई थी जिसमें संजय दत्त और सलमान खान दोनों थे hmm. तो उसके प्रोमो मैंने शूट किए थे तो वो फ्राइडे के दिन ही शूट करना था तो फिल्म रिलीज हो गई थी और हम लोग शूटिंग कर रहे थे और हमारा ये था कि साठ सत्तर करोड़ का भी बिजनेस हो जाएगा तो ठीक है बोल बच्चन और चेन्नई एक्सप्रेस हमको बचा लेगी <laughs> शाम से फोन आना शुरू हो गया कि अरे कमाल फिल्म है कमाल फिल्म है कमाल फिल्म है और हुआ ही कि डेढ़ महीने के बाद हम बोल बच्चन शूट करने राजस्थान गए और सामने के थिएटर में सिंगम तब भी लगी थी और हमने इस चीज़ का भी सोची नहीं थी सिंगम कल्ट हो गई फिर सिंगम कैरेक्टर कल्ट हो गया। यस yes. <laughs> तो तो जब सिंगम शूट करे दिमाग में ये था कि कि यार ये जैसे जो वो है, <laughs> मारता है, कि ये लोग रिलेट करेंगे हिंदी फिल्में है इतना थोड़ा सा डर था वही तो मेरा था कि अगर गड़बड़ हो गया ये तो पीछे से बोल बचन हमको बचा लेगा या चेन्नई एक्सप्रेस जो हम करते हैं कॉमेडी हमको वो बचा लेगा <laughs> सेम चीज गोलमाल के वक्त भी था जब गोलमाल लग रही थी तो वो ही कैरेक्टर आप देखें जो सांप बन के हुँ हुँ जब मैंने देखा तो मैं बोला बस ऊपर वाला बचा ले मुझे यार ये बहुत है। भी लोगों को पसंद आ गया तुषार तो कपूर ने फेथ पे कर ली थी फिल्म डायलॉग ही नहीं है वो कैरेक्टर <laughs> क्या हो गया मैरिट क्या करूं उसको मैं वो सेट पे बनता चला गया बनता चला गया और वो कर कर लोगों गया। ने बाद में ये चीज कही भी की तुषार कपूर कितनी एक्टिंग कर सकते हो आपने <laughs> <laughs> तो जा, जब जब रिस्क लिया वो वो चल क्या रहता है रोहित का, का कास्टिंग प्रोसेस क्योंकि एक तो आपने कहा कि अब एक आपका अपना पूल बिल्ड हो गया है फिर नए लोग उसमें हाउ डज इट वर्क फॉर कॉमेडी ज्यादा डिफिकल्ट कॉमेडी इसलिए डिफिकल्ट है क्योंकि एक्शन रो मतलब जो पुराने दिग्गज है वो समझ पाएंगे मेरी बात कुछ गाली भी देंगे कि क्या बात कर रहे हैं बट मुझे ऐसा लगता है कि जो सीरियस रो, रोल है या ठहराव वाला रोल है वो करना आसान है कॉमेडी सबसे डिफिकल्ट है और सबसे कम क्रेडिट कॉमेडी को मिलता है क्योंकि कॉमेडी पूरा खेल ही टाइमिंग का है डायलॉग uh, जब आपको दिए जाते हैं तो आपका पंचुएशन कैसा है आपका पॉजेस क्या है आपकी टाइमिंग क्या है वो अगर और सेंस ऑफ ह्यूमर नहीं है अगर उस एक्टर में तो वो पुल ऑफ ही नहीं कर पाएगा और वो पुल ऑफ नहीं कर पाएगा जो आपने लिखा है तो कई बार ऐसा होता है कि लिखा बहुत कमाल था यार लेकिन वो स्क्रीन पे नहीं आ पाया तो वो एक्टर के वजह से हो जाता है कॉमेडी में कॉमेडी पूरा निर्भर एक्टर पे होता है राइटर और डायलॉग राइटर और जैसे आप हेरा फेरी अगर आप देखें आप हंस रहे हैं पूरी फिल्म में बट अगर आप एक दस मिनट लिए सोचें हेरा फेरी तो सारे रियल प्रॉब्लम में एक परेश रावल पे कर्जा है सुनील शेट्टी को अपनी बहन की शादी करानी है एक पैसे नहीं है कर्जदार पीछे पड़े है। तो हैं तो है दुखी कैरेक्टर बट आप हंस रहे हैं कॉमेडी में आप प्रॉब्लम पे हंसते हैं लोगों की आप, आप उसको कैसे पोर्ट्रेट करते हैं अब यही चीज आप सीरियस फिल्म भी बना सकते हैं कर्ज लेके एक दारू पी पी के बेचारा पड़ा हुआ है परेश रावल सुनील शेट्टी स्ट्रगल कर रहा है तो जेब कतरा बन गया जेल हो गई पुलिस वाले मार रहे हैं क्योंकि बहन की शादी नहीं, <laughs> नहीं करा पाया उस सिचुएशन को आप कैसे so कैसे आप उसको किस माहौल में ले जा रहे हैं वो आप पर hmm. जिस लड़की को किडनैप किया उसका मर्डर हो गया hmm. तो अक्षय कुमार जेल में चला गया जबकि उसकी गलती नहीं है एक रॉन्ग नंबर के वैसे तो आप किधर ले जाते हैं वो आपके ऊपर होता है इसीलिए कॉमेडी सबसे डिफिकल्ट है क्योंकि कॉमेडी जो है पूरा खेल एक्टर और डायलॉग राइटर है Hmm. कॉमेडी में आपका माहौल hmm. खुशहाल हो और लोग हंस रहे हो कैरेक्टर इज इन प्रॉब्लम गोलमाल आज कल्ट है दिखाई नहीं देता था ना बुजुर्ग hmm. लोग अंधे थे बहरे तो नहीं थे चार आदमी चिल्ला चिल्ला के बात कर रहे हैं घर में तो कन्विक्शन <laughs> <conviction> होता है <laughs> कन्विक्शन का खेल भी बहुत बड़ा है। <laughs> आज मैं ही डायरेक्टर ना? हाँ। तो गार्डन में जब चिल्ला रहे से आ रही। <laughs> तो है काफी। है। आ, शोले कल्ट फिल्म है। की कहानी क्या है गब्बर सिंह को पकड़ना है करेक्ट जिंदा पकड़ के लो जब जब तक ये जान गाना खत्म होता है तो उसके बाद गन किसके हाथ में धर्म जी के हाथ में ऊपर अमित जी ने एम किया गब्बर को गन पॉइंट पे लेके नहीं आते भाग जाते हैं। <laughs> हाँ. गब्बर को ही लाना है ना तो दोनों गन पॉइंट पे लेके आ सकते क्योंकि सारे डाकुओं का उन्होंने बोला है कि गन नीचे फेंक दो हाँ. गब्बर को एक ने गन पॉइंट पे धर्म जी ने गन पॉइंट पे लिया और पीछे अमित जी साथ में चल रहे हैं और ले आए गाँव हाँ. तो कभी जब, ऐसा जब, जब, गन, जब बसंती को भी किडनैप करते हैं हाँ। और रमेश जी खुद बोलते हैं ये बात कि जब बसंती को पकड़ देता है धर्म जी घोड़े पे निकलते हैं हाँ। तो एक जो बकरी ये कर रहा है बच्चा हाँ। वो बच्चा बोलता है कि उधर है सालों साल निकल गया ठाकुर और पुलिस को नहीं मिला गब्बर <laughs> हाँ उस समय हमें लगा कि ये ऐसे ही होगा कन्विक्शन है कन्विक्शन का खेल है पूरा हर फिल्म हर फिल्म नाइन पॉइंट नाइन परसेंट फिल्म होता है ये ये मैं बना रहा रहा सही होगा चेन्नई एक्सप्रेस hmm. ट्रैवल कर रहा है बंदा मुंबई से लेके फंस जाता है एक फेसबुक पे किसी का लैपटॉप लेके पोस्ट नहीं किया उसने राहुल ने कि मैं इधर फंसा हुआ भाई आज मॉडर्न जमाने की फिल्म है hmm. हमने बस कर दिया कि मोबाइल फेंक गया बट वो कन्विक्शन की जर्नी होती आप बताए उसने फेसबुक पे क्यों नहीं डाला किसी से भी ले, ले लेंगे ना स्टेशन पे लैपटॉप पे भाई मेरे को एक जरा पोस्ट डालना है ट्वीट कर देगा अपने दोस्तों को आई एम स्टक कभी ऐसा हुआ रोहित कि जब आप लोग लिख रहे हैं तो आप लग रहा है बहुत फनी है जैसे आपने कहा कि टाइमिंग हाँ। और ट्रांसलेट पर पर्दे पे ना लगी हो या इसका उलट हुआ हो कि आप लोग आए ये तो ऐसी सीन है। लेकिन पब्लिक को बहुत मजा आ गया कई बार ऐसा हो जाता है जैसे हमने गोलमाल थ्री का एक इंटरवल सीन था के दोनों तो मिथुन चक्रवर्ती के बच्चे और रत्ना पाठक जी के बच्चे तो हाईलाइट मतलब बाद में शुरू होगा वो सीन पे ऐसा लाफ्टर था ऐसा लाफ्टर था कि हमने सोचा ही नहीं जैसे संजय मिश्रा कैरेक्टर वो ढोंडू जस्ट चिल्ड हमने सोचा नहीं था कि वो मतलब फिल्म में अजय देवगन फरदीन खान संजय दत्त बिपाशा पासू और कल्ट हो गए संजय मिश्रा जॉनी लीवर कई बार हम वो सोचते नहीं कॉमेडी में अक्सर ऐसा, ऐसा, तो मतलब ऐसा शॉकर आता है कि अरे ये क्योंकि जब देख रही उनको किस कैरेक्टर से प्यार होगा एक होता है हीरोइन एक होता है किससे प्यार हो जाएगा यू डोंट नो कौन क्लिक कर जाएगा कौन नहीं क्लिक करेगा आपको नहीं तब समझ में आता तो मुझे

और सिम्बा में वो कैरेक्टर हमको इसलिए पसंद आया था इसलिए क्योंकि अगर वो वैसे ही होता तो फिर शायद आप मुझे बोलते कि अजय देवगन भी तो यही कर रहा है तो इसमें फर्क क्या है hmm. वो थोड़ा डिफ्रेंशिएट करना था कि कैरेक्टर करप्ट है और hmm. कैसे वो चेंज होता है इसलिए वो जब हमने सिम्बा का कैरेक्टर लिखा कि उसको ऐसा करते हैं वो अजय से मेल नहीं खाना चाहिए सिंघम नहीं लगना चाहिए hmm.

पूरा बैकग्राउंड चेंज किया ओके एंड देन उस फिल्म का इम्पैक्ट ही चेंज हो गया mm. क्योंकि थ्रिलर्स uh, में खास करके बैकग्राउंड बहुत बड़ा खेल करता है mm. कि अगर एक रूम से आप दूसरे रूम जा रहे हैं देन शॉकर आपको देना है तो अगर आप कितनी ऐसी थ्रिलर्स हैं अगर आप साउंड ऑफ कर देंगे तो आपको वो साउंड प्लेज अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल नाइंटी परसेंट ऑफ द हॉर फिल्म आप म्यूट पर देखें तो आपको इतना mm. डर नहीं लगेगा वो साउंड है

एक फिल्म है परसुड टू हैप्पीनेस वो बहुत कमाल फिल्म है मुझे बहुत कमाल फिल्म है आ, ऐसी बहुत सारी फिल्में है मतलब पांच अगर मैं गिनने जाऊँ तो बहुत ज्यादा फिल्में है और पुरानी फिल्में जो न्यू जनरेशन के है आ, मीडिया हाउसेस मीडिया के लोग एंड हमारे राइटर्स को देखनी चाहिए तो जब आप जैसे अब हम बात करते हैं कि वुमेन हैं ऐसा नहीं है पहले से भी पहले भी बहुत सारे थे अगर आप मिर्च मसाला देखें hmm. अगर आप अर्थ देखें जी. तो हैं सॉन्गलेस फिल्में रही हैं यादें एक फिल्म है, फिल्म है hmm. दत्त साहब की जो बहुत कम लोगों ने देखी hmm. हुई hmm. है वन एक्ट फिल्म है वो तो इस तरह की बहुत सारी फिल्में पुरानी नई जो लोगों को देखना चाहिए जैसे मदर 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 इंडिया 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 अगर आप देखेंगे तो मदर इंडिया से पहले सेम सेम सब्जेक्ट पे थे, ऐसा नहीं नहीं। किसी और ने बनाई और फिर उन्होंने दे, बहुत सारी फिल्में मुगले आजम को अगर आप देखे तो आज हम बात करते हैं बड़ी फिल्मों की बनने में ग्यारह साल लग गए और कन्विक्शन कि एक हमने कहानी सुनी के, कि आसिफ सर को किसी और डायरेक्टर ने बुलाया था उस डायरेक्टर का मैं नाम नहीं लूंगा मुझे पता है कौन है कि देखिए मैं भी इतना बड़ा सेट लगाया है उन्होंने सोने की लंका लगाई थी और वो जल रही है तो पहले के डायरेक्टर्स में बड़ा वो एक रहता था एक फ्रेंडली फाइट रहती थी ना तो बोले आइए मेरा सेट देखिए कि देखिए मैंने सोने की लंका लगाई और ये जल रही है तो जाते है तो बोले आप 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 होते तो आप क्या करते तो चाहते थे बोले मैं होता तो इसको पिघलाता क्योंकि सोना पिघलता है जलता नहीं है बोल क्या नहीं <laughs> <laughs> <वाँ>। <laughs> so cool. या, तो पुराना बहुत होता था जैसे त्रिशूल भी अगर आप देखें तो जो एम्बुलेंस का सीक्वेंस है जो डैड की फाइट्स है वो नहीं थी फिल्म हाँ। इन्होंने फिल्म देखी फिर सोचा कि पंद्रह दिन का काम और करेंगे तो फिल्म ठीक हो जाएगी हाँ। तो वो सारे पैचवर्क है वो स्क्रिप्ट में नहीं था और बाद में वही सीन बहुत ज्यादा यादगार बन गया हाँ, और फिर ये था कि अगर प्रोड्यूसर को बता देंगे गुलशन राय जी प्रोड्यूसर था पंद्रह दिन शूटिंग करना है तो, तो पागल हो जाएंगे तो यश जी सलीम साहब जावेद साहब ने बोला कि पाँच दिन की करनी शूटिंग पांच दिन की फी की फिर थोड़ा गैप लगे बोले पाँच दिन और करनी है फिर गैप लगे पाँच दिन और करनी है ऐसे कर करके उसको रिपेयर किया और पहले बहुत होता था ऐसा पहले छः सात रील बनती थी फिल्म सारी पूरी टीम देखती थी फिर उसमें से ये था कि क्या ठीक कभी कभी तो तीस तीस चालीस चालीस दिन का पैचवर्क होता था मतलब जो स्क्रिप्ट के अलावा तब जाके फिल्म को सुधारा जाता था और ठीक किया जाता था और रिलीज किया जाता था सवाल मेरे बहुत है पर वक्त की पाबंदी है टीम के सवाल है वो ले लेते हैं प्लीज जी हेलो सर मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ बहुत देर से मैं सुन रही हूँ मैं अभी एकदम रेड हो चुकी हूँ पता नहीं मैं आपकी बहुत बड़ी फैन हूँ बस यही कहना चाहती थी दूसरा ये दिलवाले के सेट का कोई किस्सा सुनाइए उसका मेकिंग वीडियो भी हमने देखा है यूट्यूब पे पड़ा हुआ है वो बहुत फन पिक्चर लगती है जब वो आप बना रहे थे वो पूरा प्रोसेस उसका कुछ किस्सा सुनाइए दिलवाले बहुत ही मतलब हमने चेन्नई एक्सप्रेस बनाई थी और चेन्नई के बाद फिर ये था कि शाहरुख और मैं साथ में काम कर रहे हूँ

हेलो सर uh, मेरा सवाल ये है कि बहुत सारी कॉमेडी फिल्में हैं कुछ साल पहले की जो उतना उतना हिट नहीं होती है पर देखने में बहुत मज़ा आता है जिसमें ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना पड़ता है जैसे चुप चुप के चांदनी चौक टू चाइना खट्टा मीठा तो मेरे लिए कभी कभी फिल्म का ये मतलब होता है कि ज़्यादा दिमाग मत लगाओ देखो मज़ा आया और वो फिल्म अच्छी है तो आप मेरी लिए... फिल्मों की बात नहीं कर रहे हैं। <laughs> मुझे का क्या मतलब है कि बहुत ज्यादा आप सिनेमेटोग्राफी स्टोरी ऐसी डिपेंड करता है कि आप किसके लिए बना रहे जैसे कि आपने कहा वो भी कोई गलत नहीं एक टाइम पास फिल्म है एक मतलब पूरा परिवार आएगा देखेगा और चला जाएगा एक होता है कि डायरेक्टर पहले से सोचता है कि मुझे कोई एक मैसेज देना है फिल्म के लिए तो हर तरह की फिल्म बननी चाहिए एक होता है जो आप कह रहे हैं वो भी फिल्में बनती है ज्यादातर अगर आप गोलमाल देखें जो मैं सीरीज बनाता तो हूँ वो क्या है वो यही है कि आओ परिवार के साथ देखो चलो मजा करने चलते हैं वैसे ही होता है ना तो उस तरह की भी फिल्म बनती है और सीरियस फिल्में भी बनती है हर तरह के डायरेक्टर हैं हर तरह के स्टोरी टेलर है तो सब सही है अपनी जगह पर हेलो सर मेरा एक छोटा सा सवाल है सर गोलमाल सीरीज में जब जो लक्ष्मण का कैरेक्टर है मतलब वो, मुझे काफी पसंद था, तो उसमें जोशी ने वो निभाया था मतलब डेट्स तो का बड़ा इशू हो गया था तो फिर हम श्रेयास को ले आए और फिर श्रेयास को ले आए फिर कुना, आ, कुनाल को ले आए साथ में तो फिर ये हो गया दो लक्ष्मण हो गए अब तीन लक्ष्मण करूँगा तो बहुत गड़बड़ हो जाएगी बट यू नो आगे चल के हेलो सर मेरा आपके नाम से रिलेटेड सवाल है इनका नाम भी रोहित मेरा भी नाम रोहित ही है अरे कमाल है यार मतलब हमारी तरफ एक कहावत चलती है कि कहा जाता है कि अगर भीड़ कहीं बहुत ज़्यादा हो वहाँ पत्थर उछाला जाए तो उसमें दस में से सात लोग ऐसे मिल जाएंगे जिन, जिनका नाम रोहित है तो तो <laughs> <laughs> मैं जानना चाहता हूँ कि आपके सेट पर ऐसा कभी होता है या कहीं आप किसी फंक्शन में गए किसी ने रोहित नाम चिल्लाया तो आपने घूम कर देखा कि कहीं मुझे तो नहीं बुला रहे ऐसा कोई इंसिडेंट आपके सेट पे कितने लोग हैं जो रोहित नाम सेट पे और कोई रोहित नहीं है नहीं बट रोहित नाम बड़ा कॉमन है हाँ। ये तो है रोहित भाई एक सवाल पूछना था कि गाड़ी की कंपनी आपसे शिकायत नहीं करती है यार कि मैं इतनी मजबूती की एन कैप की रेटिंग देके बनाता हूँ स्ट्रॉन्ग है ये हाँ, है तो ये मेरे तो मेरे तो बैंड बजा है। देते हो उनकी ऐसी कर देते हो फिल्मों में यार देखो अभी ये तुम फास्ट एंड फ्यूरियस देखोगे तो उसको नहीं बोलोगे और उनको हम पहचानते नहीं वहां अच्छा है ना वो वहाँ के ब्रांड्स है इंडिया वाला <laughs> यहाँ वाले ब्रांड्स मतलब, को पहचानते ना अब मतलब मतलब <laughs> महिंद्रा जी शिकायत तो करते होंगे नहीं नहीं आई थिंक एक बार एक नई स्कॉर्पियो आई है तो आनंद महिंद्रा सर ने ट्वीट किया था कि रोहित शेट्टी सर ये उड़ाने के लिए तुमको न्यूक्लियर की जरूरत पड़ेगी एक्चुअली तो मेरे घर में खुद दोस्त को दो महिंद्रा की गाड़ी है मैं ट्विटर पे नहीं मर रहा मैं उनको ट्वीट कर देता है सर आप ये भी मुझे दे दीजिए ऑटोग्राफ करके मैं हाँ। इसको संभाल के रखूंगा नहीं उड़ाऊंगा हाँ। तो ऐसा हो जाता है कभी कभी बताइए और एक लिमिट होता है क्योंकि रियल नहीं होता है ना उसमें मतलब अगर पेट्रोल है तो सिर्फ थोड़ा सा पेट्रोल है फिर उसको एनहांस कर दिया जाता है

हो गया। इन सब में। तो अब नहीं होता। Hello, मेरा नाम राज है। मैं, मैं, तो I mean... तो... मैं बताऊँ क्यों, क्योंकि होता है ना कि मेल कर दो भेज दो फिर क्या हो जाता है कि अगर एक सीन भी मैच हो रहा है ना पुलिस की गाड़ी आई है और हीरो उतरा हाँ। फिर वो दूसरा जो नया राइटर है वो केस कर देता है ये मेरी कहानी है थोड़ा सा डिफिकल्ट मतलब टीम में आना बट वो वाया वाया ही हो सकता है सजेस्ट किया तो फिर से वो ऐसा है नए को सजेस्ट किया जो नई टीम है, उन्होंने और लोगों को सजेस्ट किया जब कि टीम बनी कॉन्टेक्ट होना चाहिए मीन। है अरे ठहर जा प्यारे हाँ अब बोलो हाय सर हाय सर, है सर। अरे इतनी इतनी सारी कॉमेडी मूवीज दी आपने गोलमाल गोलमाल ऑल सर बट ये सर्कस में सर क्या ऐसी कमी जो वो इतनी समझ में नहीं यार, लेकिन कुछ ना कुछ सिंपल थी पिक्चर थी वो और आई थिंक वो लोगों को इसलिए पसंद नहीं वो हम हमारे फिल्मों में मसाला रहता ही है और वो एक सीख है कि इस तरह का नहीं करना चाहिए ऑडियंस तो गलत हो नहीं सकती है ना क्योंकि ऑडियंस ने सूर्यवंशी भी देखी ऑडियंस ने पहली गोलमाल भी देखी है हमने मीडिया पे पोस्ट किया, आ रहे हैं। तो बहुत सारे सवाल थे हमने लिस्ट कर बस तीन चार ही पूछेंगे शाहरुख खान को लेके बहुत सारे लोगों ने पूछे सवाल अंशुमान कह रहे हैं कि आपने उनके करियर की सबसे बड़ी ब्लॉकबस्टर चेन्नई एक्सप्रेस दी 2023 में रिकॉर्ड टूटा जाके कब काम करेंगे फिर प्रियंका ने कहा कि क्या दिलवाले के बाद शाहरुख और रोहित शेट्टी के बीच कोई अनबन हुई थी मीडिया में <laughs> तो बहुत सारे सवाल हैं आपके और ऐसा कुछ नहीं क्यों कोई अच्छी कहानी मिले you know, क्यों क्यों का साथ में चेन्नई तो बड़ी हो सबसे इम्पोर्टेंट चीज रहता है कि कभी ऐसा कोई सब्जेक्ट आया तो क्यों नहीं करूंगा मैं? जरूर करूंगा गुंजन का सवाल है कि आप पहली बार अजय देवगन से कब मिले थे

पर उसके पहले का आपका जो था ना <laughs> कि क्या प्लानिंग चल रही या नहीं बताओ <laughs> नहीं तो हंड्रेड तो मेरी मम्मी को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं सब पुराने है ना मतलब आ... वो पुरानी फैमिलीज है फिल्म की तो वर्कआउट भी करते नहीं वर्कआउट करते हैं कुछ नहीं घर पे जिम में करते हैं मेरा घर में जिम है अच्छा और भी लोगों ने सलमान सलमान का सवाल पूछा था आ, एक भाई साहब ने पूछा है मयंक ने कहा जाता है गोलमाल फिल्म इसके जो कैरेक्टर है गोपाल लकी माधव और लक्ष्मण का शॉर्ट फॉर्म है क्या आ, ये सच है सच है गोपाल का गो है गोवा लक्ष्मण का लकी लकी का ऐसा करके एक सवाल रिचा ने पूछा है कि साउथ की फिल्में ब्लॉकबस्टर हो रही हैं बॉलीवुड भी अब उसको वो प्रेशर फील कर रहा है हाँ, आपको वो प्रेशर लगता है क्या नहीं मुझे वो प्रेशर नहीं लगता बट डेफिनेटली uh, जो हाल ही में पिछले दो साल में उनका काम हुआ है वो हमसे बेहतर हुआ है नो डाउट अबाउट इट और यही सीख हमें भी मिल रही है अब के, मतलब बिग लार्ज और वो हीरोइज्म वापस आया तो मैं तो बहुत ज्यादा खुश हूँ अगर आप के जी एफ देखे या ये सारी फिल्में देखें आया तो एंड उन्होंने बहुत अच्छा काम किया ऐसा नहीं बहुत और साउथ का ऐसा रहा है कि अब जाके वो ज्यादा पॉपुलैरिटी मिल रही है वरना टैलेंटेड लोग पहले से हैं जमाने से है जब साउथ की फिल्में यहाँ चलती आई हैं ऐसा नहीं कि अब अब शुरू है अगला सवाल निदा का इसी से जुड़ा है कि साउथ के किस एक्टर एक्ट्रेस के साथ रोहित काम करना चाहते हैं विश लिस्ट में जैसे सभी आपको कोई मना तो करता नहीं होगा बिग फिल्म मेकर यू आर मैं सभी के साथ चाहे आलू अर्जुन हो जाए या रामचरण हो जाए एन हो जाए विजय कमल सर कभी फोन करते हैं आपको लोग जैसे, जैसे कि है। तो साल तक रिलीज नहीं और होने वाली थी तो उन्होंने वहाँ एक कोई फंक्शन में प्रमोट किया था कि सूर्यवंशी आ रही है हम सबको देखना चाहिए फिर जब पुष्पा आ रही आ रही थी तो फिर हमने यहाँ पर प्रमोट की थी हमने सबने पुष्पा प्रमोट की थी तो वो सब होते रहता आखिरी सवाल इस बातचीत का

कई ऑफिसर्स का एक जवाब ये भी रहता है कि बिकॉज ऑफ सिंगम इट्स लाइक अ क्वाइट अ प्राउड मोमेंट के like, लोग इंस्पायर हो रहे हैं वरना पुलिस की जॉब के लिए ज्यादातर यंगस्टर्स ऐसे इंस्पायर नहीं होते एंड डिफिकल्ट होता है जो आई लेवल की पढ़ाई अगर आप ट्वेल्थ फेल दी देख लें तो यू रियलाइज के आ, कितनी मेहनत लगती है एक ऑफिसर hmm. बनने के लिए चाहे वो पुलिस ऑफिसर है या वो इनकम टैक्स ऑफिसर है उसके पीछे पढ़ाई कितनी है और स्ट्रगल कितना है कभी ऐसा होता है कि पुलिस वालों ने रोका है, <laughs> है। मुंबई में या बाहर भी हर जगह वो एक रिस्पेक्ट मिलती है और नाउ यू आर पार्ट ऑफ देयर फैमिली पूरे देश की साथ ही साथ एक ये भी हो जाता है कि एक रिस्पॉन्सिबिलिटी रहती है कि मतलब आप कोई लॉ ब्रेक ना करें हुँ. एक कॉन्शियस एफर्ट चाहे वो गाड़ी सिग्नल तोड़ने की बात क्यों ना हो बट एक कॉन्शियस एफर्ट रहता है नहीं भाई अभी आपकी इमेज ऐसी है लोग आपको इस तरह से रिलेट करते हैं मैं मुंबई पुलिस के साथ बहुत ज्यादा काम करता हूँ तो उमंग में भी आप बहुत एक्टिवली एक्टिव उमंग है और भी बहुत सारी चीजें होती है, रही है तो आखिरी सवाल, कितना पैसा दिया जाए कि रोहित शेट्टी अपने मन की फिल्म बना ले फिल्म, उनको बजट के बारे में ना सोचना पड़े बिल्कुल वर्ल्ड क्लास की कोई कोई कंस्ट्रेन नहीं है अरे बापरे बहुत महंगी हो जाएगी कितनी

पूरी टीम को बहुत अच्छा लगा बहुत नई चीजें पता चली नए पर्सपेक्टिव शोले से लेके और फेरी तक अच्छा ये भी तो हो सकता था थैंक थैंक यू यू सो मच हमारे घर मेहमान आए हैं और उनके लिए एक दोस्त ने तोहफा भेजा है ये रैमसन वालों ने परफ्यूम बनाया है नाम भाई साहब बड़ा आपको ध्यान में रख के लिखा है स्टड oh. तो ये आपके लिए छोटा सा तोहफा है थैंक यू सो मच दिल वाला गोली उसकी उम्मीद करता कि आपको पसंद आएगा